नमस्कार। सौर्य प्रतिष्ठान व्हर्च्युअल फोरम वर कार्यक्रमाची आम्ही आता सुरुवात करीत आहोत। या फोरमवर आपल्या सर्वांचं स्वागत। मी माधव मांजरेकर। या व्हर्च्युअल कार्यक्रमाचा आरंभ शांती पाठाने करूया। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 ही। सहनावतु आम्हा सर्वांचे रक्षण होवो। सहनौ भुनक्तु आम्हा सर्वांचे पोषण होवो। सहवीर्यम करवावहे आम्ही सर्व मिळून पराक्रम करू। तेजस्विनावधीतमस्तु आमचे अध्ययन तेजस्वी होवो। मा विद्विषावहे आम्ही परस्परांचा द्वेष न करू। Dear all, we have with us Sudhanva Deshpande today. Sudhanva, namaskar. Ani Taurya Pratishthancha virtual forum var aapla swagat. A prolific writer, theater director and an actor, Sudhanva joined Jananatya Manch in 1987 and has acted in over 4,000 performances. His essays have appeared in The Hindu, Frontline, etc. And he has held teaching positions at the National Institute of Design in Ahmedabad and at Jamia Millia Islamia in New Delhi. Sudhanva Deshpande yanche barobar, tyancha sathidharan barobar, street theater manje kay, hey apan aaj janun ghenar ahot. I would also like to request Sudhanva Deshpande to introduce his fellow artists as well. पण या अनुषंगाने सुधन्वांना विनंती करण्यापूर्वी wanted to read an appreciation about his recent book Halla Bol. This is not a story of death. It is a story of life. The luminous life of Safdar Hashmi. Extraordinary in all its ordinariness. Safdar Hashmi was only 34 when he died from injuries sustained during a senseless attack. On New Year's Day in 1989, Jananatya Manch Janam, the theater group he was a part of and which he led, was attacked while performing a street play on the outskirts of Delhi. Beginning with a record of the attack that killed him, this vivid memoir illuminates the life of Safdar Hashmi, artist, comrade, poet, writer, actor, activist, and a man everyone loved. But this is not a book about one man or one tragic incident. Halla Bol shows us close up how one man's death and life are intertwined with the stories of many people. It shows the intersections between cultural practice and working class politics, the profound link between ideology and real life struggle. For a generation that grew up without knowing Safdar Hashmi, and I am guilty of that as well, Halla Bol renders his passion, humor, and humanism into an intimate portrait. It also gives an understanding of resistance and the strength to put it into the practice. The ideas that Safdar and his colleagues grappled with during a period of tumult and change in India are harbingers of the society we are today. मंडळी, आता मी
सुधन्वा देशपांडे यांना त्यांचा कार्यक्रम सुरू करायची विनंती करतो आणि तत्पूर्वी त्यांनी त्यांच्या साथीदारांची ओळख करून दिली तर आपल्या सर्वांना याचा अधिक आनंद घेता येईल. सुधन्वा. थँक्यू मांजरेकर साहेब. मी आज मी मराठीमध्ये नाही बोलणार कारण आजची नाटकं जी आम्ही वाचून दाखवणार आहोत, पूर्ण नाटक नाही, नाटकाचे अंश आम्ही वाचणार आहोत, ते हिंदीमध्ये असतील. आणि फक्त ते नाही पण असं की मी दिल्लीला राहतो, दिल्लीलाच माझा जन्म झाला, शिक्षण वगैरे सगळं दिल्लीला झालंय, म्हणून माझं सगळं काम हे हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये झालंय. तर मी घरी मराठी बोलायचो आई बाबा होते तोपर्यंत, पण आता ते पण नाही आहेत म्हणून घरी पण मराठी बोलण्याची इतकी सवय आता राहिली नाही. पण मी बोलतो मराठी, पण आजचा कार्यक्रम हिंदी इंग्रजीमध्येच आम्ही काढणार आहोत कारण माझ्याबरोबर माझे सगळे साथीदार आहेत आणि हा कार्यक्रम ऍक्च्युली माझ्याबद्दल नाही आहे, हा कार्यक्रम आमच्या कामाबद्दल आहे. आणि आमचं काम म्हणजे आम्ही जननाट्य मंच नावाची आम्ही संस्था आहोत. आजचा कार्यक्रम जेव्हा ठरला होता तेव्हा माझा असा अंदाज आहे की एक एक महिनाभर पूर्वी याची तारीख ठरलेली होती आणि तेव्हा अजिबात अंदाज नव्हता की आत्ता या क्षणी भारतात काय स्थिती असेल. तर म्हणून सो इन वन सेन्स वी हॅड नो आयडिया दॅट वी वुड बी लुकिंग अट दिस काइंड ऑफ अ सिच्युएशन इन इंडिया. सो बिफोर वी गेट इन टू द प्रोग्राम, बिफोर वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्स, बिफोर वी टॉक अबाउट आवर प्लेज एंड सो ऑन, थोड़ा सा मैं एक दो बातें मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ आजकल भारत में जो हो रहा है उसके बारे में. वैसे तो आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे, आपको मालूम होगा, आपके सबके परिवारजन आपके प्रियजन हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, तो आपको हर रोज अपडेट्स जो है मिल रहे होंगे. लेकिन हम लोग जो है दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, इस कार्यक्रम के लिए भी रिहर्सल हमने ऑनलाइन की है, लेकिन सभी के लिए ये बहुत मुश्किल दौर रहा है. खासतौर पर पिछला एक हफ्ता 10 दिन का जो जो समय रहा है ये बहुत मुश्किल दौर रहा है, इमोशनली बहुत मुश्किल रहा है और अन्य तरह से भी. इसमें इसमें मुख्य तौर पर हम लोग बात कर रहे थे अभी, हम रिहर्सल के लिए हम मिले थे उस समय पर, हमें दो बातें आपसे सिर्फ कहनी है. एक तो ये कि हम जिस स्थिति में आज हैं ये स्थिति एक साल पहले अगर हम काम शुरू कर देते तो इस स्थिति में हम नहीं होते. न केवल ये कि हमने वो नहीं किया बल्कि बल्कि ये कहना चाहिए दैट वी हैव बीन इन अ सेंस वी हैव बीन लल्ड इनटू अ फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी. तो हमें लगता है कि ये एक पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है और जिसके चलते जब भी किसी भी तरह की विपदा आती है, कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हमेशा ये देखते हैं कि जाहिर है कि कोई पैंडेमिक है तो वो इंसानों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं करता है, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड के हों, किसी भी आप जेंडर के हों, पैंडेमिक उसमें अंतर नहीं करता है लेकिन समाज करता है. और इसलिए पैंडेमिक की बीमारी ये एक चीज है लेकिन बीमारी के अलावा जो बाकी जो सारी चीज होती है उसका असर जो गरीबों की जिंदगी पर पड़ता है वैसा असर मिडिल क्लास या अमीरों की जिंदगी पे नहीं पड़ता है. तो ये पिछले साल भी हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ था, जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, उस समय पर जिस तरह से माइग्रेट करना पड़ा गरीबों को शहरों से इत्यादि, तो ये बहुत ही मतलब दुख वाली और दिल को दहला देने वाली एक स्थिति थी. आज भी वही हो रहा है कि गरीबों के ऊपर जो इस पैंडेमिक की जो गाज गिर रही है उसका उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है अगर आपने वो अपनी आंखों से न देखा हो. तो एक तो ये बात कहना चाहते हैं, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि भारत में पिछले कुछ सालों से खास तौर पे एक बहुत सिस्टमैटिकली एंटी साइंस, एंटी रैशनैलिटी और एक प्रो सुपरस्टिशन और प्रो इरैशनैलिटी और प्रो अनसाइंटिफिक थिंकिंग
एक लहर है और उसको ऊपर से नीचे तक अलग अलग तरह के लोगों ने इसको प्रमोट किया है, और हमें ये लगता है कि आज हम जिस स्थिति में हैं उसका एक एक कारण ये भी है कि अगर आप पूरे देश में ये लहर अगर आप दौड़ाते हैं, अगर ये एक माहौल आप क्रिएट करते हैं जहां पर के साइंस, रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग, इसको अगर आप डिग्रेड करते हैं, एजुकेशन को डिग्रेड करते हैं, तो फिर आज जो कुछ हो रहा है वो होना लाजमी है। तो हमें लगता है कि ये दो चीजें हम आपसे शेयर करना चाहते थे, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा एक परेशान करने वाली स्थिति है। हम सभी ने अपने कुछ दोस्तों को, कुछ लोगों ने अपने परिवारों में लोगों को खोया है या बहुत मुश्किल में अभी लोग हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत इसका जिक्र किए बगैर करना हमारे लिए असंभव था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे जो नाट्य मंच के साथी यहाँ पर हैं वो एक एक करके अपनी बात कहें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद में हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसके जरिए आपको एक विजुअल सेंस मिलेगा कि हम क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, और फिर हम तीन नाटकों के छोटे छोटे अंश हम पढ़ के सुनाएंगे। उनको पूरी तरह तो खेल नहीं सकते, लेकिन जितना ऑनलाइन हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, और उसके बाद में फिर हम बातचीत के लिए आज की सभा जो है ओपन करेंगे। तो आप में से कोई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है, हमने कोई सीक्वेंस नहीं तय किया है, जो भी शुरू करना चाहे प्लीज स्टार्ट। विजय कालिया, मैं आपसे, हाँ, मेरा नाम विजय कालिया है, मैं इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हूं और पिछले 40 साल से जनाट्य मंच से जुड़ा हुआ हूं। मेरा नाम अशोक तिवारी है, मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मैं टीचर हूं और पिछले 30 साल से मैं जनाट्य मंच से जुड़ा हुआ हूं। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है, मैं पिछले 4 साल से जनाट्य मंच से जुड़ी हुई हूं और मैं स्टूडियो सफदर में प्रोग्राम मैनेजर हूं। स्टूडियो सफदर परफॉर्मेंस स्पेस है दिल्ली में। मेरा नाम कौमिता है, मैं दिल्ली में अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं थिएटर और परफॉर्मेंस स्टडीज़ में PhD कर रही हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और जननाट्य मंच के साथ मैं पिछले लगभग 16-17 साल और से, कब से है जननाट्य मंच? 17 साल से। मेरा नाम ब्रिजेश है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और पिछले 30 साल से ज्यादा से जननाट्य मंच के साथ जुड़ा हूँ। परीक्षित, मेरा नाम परीक्षित है, मैं पिछले 1.5 साल से जननाट्य मंच से जुड़ा हूँ और मैं एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन किया और मैं अभी एक नए स्कूल में पढ़ाना शुरू करूंगा अगले महीने से। सम्यक, कमलेश। मेरा नाम सम्यक है, मैं मनोविज्ञान का छात्र हूँ, मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, अपनी बैचलर्स कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में, और मैं जन नाट्य मंच से साल 2018 से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं जन नाट्य मंच के साथ जुड़े हुए। हेलो, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक पब्लिकेशन हाउस में काम करता हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से जननाट्य मंच से जुड़ा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मलेशी हाशमी और मैं जननाट्य मंच से जुड़ी हुई हूँ, जननाट्य मंच बनने से पहले से, यानी बहुत साल पहले हो गए, मैं कितने साल नहीं बोलूँ तो अच्छा है,
मैं वैसे पेशे से टीचर थी, मैं बच्चों को और टीचर ट्रेनिंग्स को पढ़ाती थी। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद में मैं जरा अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि आपके सामने जो है तस्वीरें आ जाए। हम लोग बेसिकली दिल्ली में हम बेस्ड हैं और पिछले कई साल से नाटक कर रहे हैं। जनाट्यमंच का बहुत ब्रीफ अगर मैं इतिहास दूं तो 1973 में इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था और तब से लेकर के अब तक हम ऑलमोस्ट लगातार नाटक कर रहे हैं। पहले कुछ साल हमने बड़े बड़े नाटक किए, मंच नाटक किए, उसके बाद में हमने स्ट्रीट थिएटर करना शुरू किया और स्ट्रीट थिएटर जैसा आने वाली कुछ तस्वीरों में आप देखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन 1978 में हमने स्ट्रीट थिएटर करना शुरू किया था और तब से लेकर के अब तक हमने 100 से ज्यादा नाटक किए हैं। कुल संख्या एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है लेकिन 8-10 हज़ार शोज तो हमने डेफिनेटली किए हैं। पूरे भारत भर में हमने शोज किए हैं। शायद ही कोई ऐसे एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहां पर हमने शोज नहीं किए, लेकिन वहां के भी बहुत से राज्यों में किए हैं। लेकिन उसके अलावा लगभग पूरे देश में हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में हमने अपने शोज किए हैं। और जब हम जब नाटक की बात करते हैं तो आमतौर पे नाटक के जो उसका पूरा जो एक तामझाम होता है उसके बारे में हम सोचते हैं स्टेज के बारे में, लाइट्स के बारे में, सेट्स और कॉस्ट्यूम्स वगैरह वगैरह, इस सब की शक्ल सूरत हमारे जो है जहन में आती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नाटक वैसा हो। नाटक जो है वो जनता के बीच में भी हो सकता है। नाटक इतना करीब हो सकता है जनता से कि जो ऑडियंस है वो आप ही के लेवल पर हो, एक ही स्तर पे हो। और अक्सर जब हम शोज करते हैं तो हमारे और ऑडियंस के बीच में बिल्कुल फासला नहीं होता। इनफैक्ट ये जिस पर्टिकुलर शो की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ अभी, ये मिड 90s की तस्वीर है ये। लेकिन इस शो में खास तौर पे मुझे याद है कि मैं अगर ये शख्स अगर आप देखें तो ये मैं हूँ और ये है मलेश्री। और इस शो में मुझे याद है कि ये जो डफली मेरे बगल में जो बांधी हुई है उसके साथ बच्चे जो है खेल रहे थे। तो ये इस तरह की हरकत मंच नाटक में नहीं हो सकती है। मंच नाटक में इतना करीब, इतने पास ऑडियंस और दर्शक जो है, ऑडियंस और एक्टर वो जो है वो नहीं होते हैं। हम लोग जब जननाट्य मंच की बात करते हैं तो जननाट्य मंच का जो इतिहास है वो ग्रुप का फॉर्मेशन 1973 में हुआ जैसे मैंने कहा, लेकिन ये ट्रेडिशन बहुत लंबा है। और उसी ट्रेडिशन से अपने आप को जोड़ते हुए हमारा जो स्लोगन है, पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल, ये हमको उस ट्रेडिशन से जोड़ता है। क्योंकि ये स्लोगन हमारा स्लोगन नहीं है, ये स्लोगन 1940s के दौर का है। और ये 1940s में जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हो रहा था, जब फासीवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में संघर्ष था 1930s और 40s में, उस दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा का गठन हुआ था और इप्टा का यह स्लोगन हुआ करता था, पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल। हम अपने आप को इप्टा की जो एक परंपरा है उसका हम अपने आप को हिस्सा मानते हैं और इसलिए ये जो स्लोगन है पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल, ये हम अपना स्लोगन हम समझते हैं। जब हम कहते हैं पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल, इसका मतलब क्या है? इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं। मैं केवल दो चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो ये कि नाटक के अंदर जो दर्शक का रोल है इसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। दर्शक को हम अपने नाटक के केंद्र में रखते हैं। इससे मतलब ये कि हमारे नाटक केवल आर्टिस्टिक एक आइडिया के लिए या हमारी अपनी खुशी के लिए हम नहीं बनाते हैं। ऑब्वियसली हमें तो खुशी मिलती है नाटक खेलने से, नाटक करने से, लेकिन इसका पूरा ओरिएंटेशन ये रहता है कि दर्शकों के लिए हमारे नाटक का
जो है मतलब रहे। दूसरी बात यह कि नाटक के नाटक की कहानियों के जो जो नायक हैं और जो नायिकाएं हैं वो जो हैं वो आम जनता के पात्र होते हैं। हमारे नाटकों में ऐसा नहीं होता कि बहुत मतलब जो रईस लोग हैं या राजा रजवाड़े हैं उनकी कहानियां हम जो है ज्यादातर नहीं दिखाते हैं। हमारे नाटकों के नायक और नायिकाएं जो हैं वो आम दर्शक होते हैं। जब हम बात करते हैं दिल्ली की, मैंने आपसे कहा कि दिल्ली में हम स्थित हैं, तो दिल्ली राजधानी है देश की जैसा आप जानते हैं। दिल्ली की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है संसद और राजपथ और कनॉट प्लेस और इस तरह की जगहें हमको ध्यान में आती हैं, लेकिन दिल्ली एक शहर नहीं है, दिल्ली बहुत शहर है। और दिल्ली में भी जिस तरह से मिडिल क्लास या अमीर लोग जैसे रहते हैं और जैसे गरीब लोग रहते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। हमारे यहाँ पर हमें आदत होती है कि नलका खोलते हैं पानी आ जाता है, लेकिन दिल्ली के बहुत से इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पर के पानी के लिए भी किल्लत होती है। तो ये एक ऐसा इलाका है, कुसुमपुर पहाड़ी नाम है इसका, जो लोग दिल्ली जानते हैं वो लोग ये जानते होंगे कि वसंत विहार एक इलाका है। इट्स अ वेरी रिच नेबरहुड, इट्स अ अपर मिडिल क्लास नेबरहुड, वसंत कुंज, वसंत विहार एटसेट्रा, एंड अ लॉट ऑफ द पीपल हु सर्विस द होम्स ऑफ द एलीट इन वसंत कुंज एंड वसंत विहार एक्चुअली कम फ्रॉम कुसुमपुर पहाड़ी। एंड कुसुमपुर पहाड़ी इज अ प्लेस वेयर वी हैव बीन गोइंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स टू परफॉर्म, और आज तक हमने ये देखा है, इतने साल हो गए हमें यहाँ पर परफॉर्म करते हुए, लगभग 25 साल से हम यहाँ शो कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर देयर इज नो रनिंग वाटर, देयर इज नो सप्लाई ऑफ वाटर, एंड ऑफ कोर्स इट्स द यूजुअल थिंग, झुग्गी वाले हैं, ये है वो है, व्हाटएवर व्हाटएवर, बट व्हिच देन मींस दैट व्हेन वी लुक फॉर प्लेसेस टू परफॉर्म देन द प्लेस वेयर द वाटर कम्स इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू परफॉर्म, बिकॉज दैट्स वेयर द पीपल गैदर एवरी इवनिंग टू गेट द वाटर। And so, this photograph and this photograph are actually right adjacent to each other in terms of space. That's where the play is happening, and right next to it is this scene where people are filling up water. So, in other words, what I'm trying to say is that you're never divorced from real life when you're doing a street play. जब आप ऑडिटोरियम में नाटक देखते हैं तो आप एक ऑडिटोरियम में जाते हैं, अंधेरा होता है, आप टिकट खरीद के जाते हैं, शाम को आप वक्त अपना जो ये करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, यू लुक फॉरवर्ड टू द ब्रेक इन द प्ले, इन द इंटरवल यू गो आउट एंड यू नो गेट योरसेल्फ समथिंग टू ईट और व्हाटएवर। नुक्कड़ नाटक ऐसे नहीं होता है, नुक्कड़ नाटक एक ऐसी जगह
you know, real life is never far away from the place where you do your plays. Street theater often, you know, people have the idea that it's happening on the street. That's not normally the case. इस तरह की जो मैं आपको अभी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये normal नहीं है कि सड़क के एकदम बगल में या सड़क पे आप नाटक कर रहे हैं. Although it's called street theater, because well, firstly there's no space on streets to perform. Secondly, it's very noisy. तो ये particular show जो है यहाँ पर, ये जो crane वाला है, ये जा रहा था और जाते जाते उसने देखा नाटक हो रहा है, तो उसने वहीं अपनी गाड़ी रोक दी और वो जो है नाटक देखने लग गया. उसने सोचा कि मेरे पास तो अच्छी बालकनी सीट है, मैं ये क्यों छोड़ू. वो वहां से नाटक देखने लगा. दो मिनट के अंदर अंदर पीछे उसके ट्रैफिक जैम लग गया था और लोग जो है वो हॉर्न वॉर्न बजा रहे थे, शोर कर रहे थे. तो हमें फिर उससे जो है रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई साहब आप आगे चलिए क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा हो रहा है. What that also means is that you're not carrying a set with you. You're not carrying all the other things that, you know, street that theater does, that you imagine the theater, which then means that all you have is your body. So, जैसे यहाँ पर ये जो scene इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर का scene है. और मंदिर जो है बनाने के लिए, how do you create a मंदिर? तो इंसान के bodies को इस्तेमाल करते हुए, एक्टर्स के बॉडीज को इस्तेमाल करते हुए आप एक मंदिर बनाते हैं. उसके सामने अगर एक एक्टर बैठता है आलती पालती मार के और ऐसे ऐसे करके टर टिंग 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 करता है, तो ऑडियंस मान लेती है कि ये एक मंदिर है. इसी तरह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी नेचुरल सेटिंग है उस जगह की, उसको जितना ज्यादा इस्तेमाल कर पाए उतना इस्तेमाल करते हैं. तो इसलिए जहां पर भी हमें ये दिखता है कि ऑडियंस को अलग अलग लेवल पे आप रख सकते हैं, उससे हमें बहुत फायदा होता है. क्योंकि फिर अलग अलग लेवल से लोग जो है आसानी से देख पाते हैं कि नाटक में हो क्या रहा है. और इस तरह के सेटिंग का एक और फायदा ये होता है कि आवाज भी ज्यादा आसानी से पहुंचती है क्योंकि उसमें हिंड्रेंसेस ज्यादा नहीं होते हैं. अगर कहीं पर एक नेचुरल एक स्लोप मिल जाता है जहां पर के ऑडियंस बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, तो उससे और भी ज्यादा फायदा होता है. ये जो शो हो रहा है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एम्प्लॉयज यूनियन है उनके लिए शो हो रहा है. और ये आरबीआई के स्टेप्स हैं दिल्ली में, जो मेन गेट है उनका, वहां पर हम लोग अपना नाटक कर रहे हैं. इसका ये भी मतलब होता है कि हम अपने साथ लाइट्स लेकर नहीं जाते हैं. मतलब ये है कि जो भी नेचुरल लाइट आपको मिलती है या जो अननेचुरल लाइट मिलती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंधेरा हो रहा है, इट इज डस्क. It's soon going to be very dark in this photograph. So therefore, you have to keep in mind के वक्त क्या है, कितने बजे नाटक हो रहा है, कहाँ हो रहा है. और वहाँ पर अगर तो आपको कहीं से street lights वगैरह मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर दो जगह से street lights हमें मिल रहे हैं, so then you're able to illuminate your play like that. But you know, often the plays happen in daytime, in daylight, sometimes in this kind of light, sometimes in other kinds of light. So you have to factor all of these things in. When you are creating the play, कई बार audiences की संख्या बहुत बहुत बड़ी होती है. जब इतने audience होते हैं तो obviously आप बिना microphone के नहीं कर सकते. Microphone जो है होना वो बहुत जरूरी है. लेकिन कई बार audiences बहुत छोटी भी होती हैं, तो उनके सामने जो है आप जब नाटक करते हैं तो वो बिना microphone के बड़ी आराम से आप जो है नाटक कर पाते हैं. हमारा जो नाटक है, हमारा जो थिएटर है, वो उसके लिए कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिलती है. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज व्हाट दिस मीन्स इज कि हम ना तो सरकार से, ना किसी कॉरपोरेट बॉडी से, ना किसी एनजीओ से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हम कहीं से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं. हमारी फंडिंग सीधा ऑडियंस से आती है. इसका मतलब ये है कि जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, शो जो है अभी ख़त्म हुआ है और शो ख़त्म होने के बाद में हमारे एक्टर्स ऑडियंस के बीच में जा करके चंदा ले रहे हैं, डोनेशंस ले रहे हैं. और जिसके जो समझ में आता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, व्हाटएवर इट इज, पीपल कंट्रीब्यूट दैट. बट इट आल्सो मींस दैट यू नो वी आल्सो गेट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम पीपल हु फॉलो आवर वर्क एंड हु मे नॉट कम फॉर अ पर्टिकुलर शो, लेकिन साल में एक बार या दो बार वो हमको एक डोनेशन दे देते हैं. दोस टेंड टू बी स्लाइटली लार्जर, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, इस तरह से लोग जो कुछ लोग हैं जो दे देते हैं. कुछ लोग हैं जो कैश डोनेशंस नहीं देते, या मतलब फाइनेंशियल डोनेशंस नहीं देते, लेकिन दे डोनेट इन अदर वेज, विच इज
that they may donate their time, they may donate their skills for some particular thing, they may donate some material. जैसे हमारे काम में जो कपड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, कई बार हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो गाड़ी की जरूरत पड़ती है, कभी कभी कोई गाड़ी अपनी दे देता है हमें वगैरह. तो अलग अलग तरह से लोग जो है हमको इन काइंड डोनेशंस भी देते हैं. एंड दैट्स हाउ द होल वर्क इज फंडेड. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो वी आर पेड समटाइम्स बाय ऑर्गेनाइजेशंस दैट इनवाइट अस टू परफॉर्म. इसका मतलब यह है, मान लीजिए किसी कॉलेज में शो है तो कॉलेज की तरफ से कुछ पैसा मिल गया, या मान लीजिए कोई थिएटर फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें हमको जो है मिलता है. We have to be quite inventive in how we create our acting spaces. तो अगर ये फोटोग्राफ अगर आप देखें मसलन, तो यहाँ पे जब हमारी टीम पहुंच, this is a photograph from the early 1980s, यहाँ पे जब हमारी टीम पहुंची थी इस गांव में, तो गांव वाले ने कहा जी स्टेज के बिना नाटक नहीं हो सकता, ऑडियंस बहुत दूर दूर बैठेगी तो स्टेज जो है होना जरूरी है. तो इन लोगों ने कहा कि भाई स्टेज तो है नहीं हमारे पास, क्या करें. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे स्टेज, आप चिंता मत करिए. एंड इफ यू सी दिस फोटोग्राफ यू विल सी दैट इट्स अ स्टेज दैट्स बीन पुट टुगेदर बाय पुटिंग टुगेदर 6 कैमल कार्ट्स. तो 6 ऊंट की गाड़ियां बैक टू बैक लगा करके एक स्टेज बना है जिसके ऊपर ये नाटक जो है हो रहा है. और उसी गांव वालों ने अपने ये बैटरी सेट्स वगैरह से एक साउंड सिस्टम भी ऑपरेट किया था. पीटर ब्रुक एक बहुत मशहूर इंग्लैंड के डायरेक्टर हैं, फ्रांस में रहते हैं, जिनकी एक किताब है द एम्प्टी स्पेस, 1966 की किताब है, 20वीं सदी के बहुत महान थिएटर की किताबों में से एक मानी जाती है द एम्प्टी स्पेस. और उस किताब की शुरुआत एक काफ़ी उस जमाने के लिए बहुत एक रेडिकल थॉट से वो शुरू करते हैं. और वो कहते हैं कि देखिए कोई भी खाली जगह अगर आप ले लेते हैं और उसको आप स्टेज कह सकते हैं, एक व्यक्ति उसके ऊपर जो है चल के जाता है, एक और व्यक्ति उसे देखता है और इतना काफी है, इतने से भी आप नाटक जो है आप बना सकते हैं. और ये अपने आप में उस जमाने के लिए फॉर द मिड 1960s दिस वाज अ रियली रेडिकल थॉट दैट यू नो दैट ही हैड पुट फॉरवर्ड. एंड दिस इज द थॉट ऑन व्हिच ऑल स्ट्रीट थिएटर इज इन वन सेंस प्रिमाइज्ड. लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें तो आप ये पाएंगे कि खाली जगह कोई नहीं होती है, रिक्त स्थान कोई नहीं होता है, देर आर नो एम्प्टी स्पेसेस. इस तस्वीर में अगर आप देखें मसलन, तो यहाँ पर नजर आपकी सबसे पहले जाती है उस पुतले पे जो कि तस्वीर के बीचों बीच है और ऊपर से एक तरह से नाटक को आशीर्वाद दे रहा है. तो वो पुतला किसका है, हम सब जानते हैं ये डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला है. मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहां पर नाटक हो रहा है ये एक दलित बस्ती है और ये पुतला एक तरह का असर्शन है. तो आप नुक्कड़ नाटक लेकर जा रहे हैं बस्तियों में या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, देन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दैट स्पेस एंड योर प्ले हैज टू एंगेज विद दैट पॉलिटिक्स इन वन वे ऑर द अदर. इन अदर वर्ड्स देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस. व्हेन यू गो एंड यू फिल अप अ स्पेस व्हाट अपीयर्स टू बी एन एम्प्टी स्पेस, actually what you're doing is you're claiming that space and you're reclaiming that space. And that reclaiming of space can happen in many different ways. For instance, ye tasveer agar aap dekhen, ye natak hai Halla Bol, jiska ek ansh hum aaj ke karyakram mein ant mein hum padhne wale hain. Lekin is tasveer ko agar dekhen aur niche agar aap padhen to Jhandapur 4 January 1989 ye date hai. Jhandapur is the place where this play is happening. Now, why is this place and this location, the date important? Because on this exact spot, on the 1st of January 1989, Jannatipin attacked. On this exact spot where we are performing this show, on the 1st of January. In that attack, there were 2 people who were killed. One was a man called Safdar Hashmi, who was as was said in the introduction, he was a playwright, actor, director, lyricist, organizer, a thinker of street theater, a very fine theater critic, a filmmaker, and so on and so forth. He was a man of many, many talents. And when he was killed, he was barely
34 years old. He was going to be 35 that year. The other person who was killed was a man called Ram Bahadur, who was a young Nepali migrant worker, and he was shot dead as well. So, ye hamla hua tha 1 January. 2 January ki raat ko Safdar ki aspatal mein maut hui. 3 January ko Safdar ka antim sanskar hua, his funeral happened. And on the 4th of January, we were back and performing at that very spot where the attack had taken place. In other words, what we were doing was that this space, which on the 1st of January had been claimed for theater, had been snatched away from us by those who attacked us. And on the 4th of January, we went back and reclaimed that space. And subsequently, every year on the 1st of January, we go back to the same spot and we perform a play. And of course, there are many other things that happen. गाने होते हैं, आम सभा होती है, वगैरह वगैरह. और ये वहां के मजदूरों के लिए, अब जबकि 32 33 साल हो गए इसको, 30 odd years have passed since then, this has become a day of, in a sense, of celebration, not of the killing of Safdar and Ram Bahadur, but a celebration of their rights and the assertion of their rights and a celebration of the bond or the coming together of workers and artists. You know, that's what this day has come to symbolize over the years. Safdar characterized street theater as basically a militant political theater of protest. Iska matlab kya hai ke hamare aas paas, hamare mulk mein, hamare samaj mein itni tarah ki vishamtaen hain. There are so many inequalities. Some of them are based on birth. So like, for instance, what caste are you born in? And so on, or what religion are you born in, and so on. So some of them are based on birth or on gender, and some are not based on birth, but on a social hierarchy. You know, then there are differences of language, region, this, that, and all the rest of it. What this does is that there's this inequality and this sense that this country seems to exclude some people from its ambit. Some people don't seem to matter in this country. When we began, I spoke about, for instance, the lockdown last year. Now it's unimaginable to me. It's shameful for me as an Indian to imagine that hundreds of thousands of people did not seem to matter. You know, their fate did not seem to matter, that they had to walk hundreds of kilometers in the most trying circumstances to get back home because nobody cared for them, you know. And so one of the things that street theater tries to do is to try and articulate this sense of inequality, this sense of anger at this inequality, at the oppressions, at the injustices that seem to be that seem to structure our society quite systematically. But it doesn't only do that. Street theater does something else as well, which is, and this is the other thought that's very important, which is that we don't believe that if you go and do a street play or any kind of art, by itself, there'll be a change in society. We don't think that. Of course, when you watch a play, when you read a book, am I back? Can you hear me? Yes, we can hear you now. Thanks. I'm sorry, once again, this was the internet. No, no, for a few seconds. So just to say that, you know, we don't believe that just watching a play or experiencing a piece of art is enough to change society. Of course,
you know, people can be moved and they can be moved to change, etc. But the crucial role of organizing people is something that that we have to keep in mind. In other words, to bring about social change, large numbers of people have to come together and demand change and make change in society. And so therefore, Sabdar saw street theater as that, it as a form that expresses the anger of the people towards injustice, oppression, inequality, etc., but also something that brings people together and helps them in getting organized in order to make change. One last point before we go to the plays themselves, that we also believe that street theater is important for another reason, which is that, you know, now what's happening in India, especially over the last few years, is that it's become almost impossible to air any differing opinion. कि जो एक 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 बात आपसे कही जाती है कि भाई यही सही बात है, उसके विपरीत अगर आप कुछ कहते हैं, एक डिफरिंग ओपिनियन, एक डिसेंटिंग वॉइस अगर आप लेकर आते हैं, तो आपसे कहा जाता है आप एंटी नेशनल हैं, आप एंटी ये हैं, एंटी वो हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, आप जो है पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप अगर महिला हैं तब तो खैर आपको जो है मतलब भगवान बचाए, आपके बारे में इतनी ऐसी अश्लील बातें कही जाती हैं, इत्यादि इत्यादि, तो और लोगों को डरा धमका करके किसी तरह से चुप कराने की एक कोशिश होती है। हमें लगता है कि जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और इसमें हमें फख्र है, इसका हमें गर्व है कि भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब हमारे जहन में सिर्फ ये नहीं है कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है, वो तो है ही है, वो तो अच्छी बात है, और इलेक्शन जो है वो तो होने चाहिए, सही बात है, लेकिन इलेक्शन तक हम डेमोक्रेसी को सीमित नहीं रख सकते। हमें लगता है कि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू मेक इट अ मच लार्जर थिंग। डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट हैज टू लिव ऑन द स्ट्रीट्स, डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट हैज टू लिव इन क्लासरूम्स, इन यू नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, in other kinds of institutions like, you know, factories or on farms or in offices, etc. It also has to live in homes, and even inside the home it has to live, for instance, not just in the drawing room but also in the kitchen or in the bedroom, you know. And so therefore what street theater does is that it allows people to come together. It allows people to come together as a collective, as a group, to experience something. And very often, we find people don't agree with us, which is fine, which is absolutely fine. Nobody is saying that everyone has to agree with each other, not at all. What's important is that we must agree that we can have differing views. We must agree that you and I or anyone else has the right to express a view that may be a view that doesn't agree with X number of other views and so on, that there should be or there must be space for disagreement, for debate and so on, because debate and disagreement in the short run, it might seem like, you know, there's an argument happening, etc. But actually, if you think about it, society moves forward with debate and disagreement. That all of our lives get enriched with debate and disagreement. At that moment, we might find that it's frustrating. Oh, how is it that this person can't see my point and doesn't agree with me? But over time, you'll find that you change your position a little bit, you start seeing things a little bit differently, you start appreciating things from the other person's point of view, and vice versa. And when that happens, it enriches all of us. And street theater, in our view, is one of the small ways in which you keep true democracy, the democracy in society, not just at the political structure level, but at the level of civil society. The idea of democracy is enriched
by the fact of people being able to perform and to think and to discuss and argue and even disagree without breaking each other's heads. That's the most important. Without abusing each other, without threatening each other, that we are able to disagree. And we feel that it's really important that we create these pockets of democracy. I'll end here. What I tried to do was to give you a flavor of what we do without going into details of every play, et cetera, because that's a very long story. You know, we've done over 100 plays in these years, et cetera, and the plays on many, many, many different themes and so on. But for today's, excerpts, we decided that we are going to be focusing on the lives of the working people. And this is because of the great distress that the poor, the urban poor in India are facing right now. The rural poor are facing their own issues. But we are not going there today, partly because we are from an urban context. Hum Delhi ke log hain. Aur Delhi shahar mein kya ho raha hai, is waqt kya ho raha hai, wo hamare liye bahut important raha hai. So we'll be presenting to you excerpts from three of our plays. And these are plays from different times in our history. So I would now invite Ashok, my colleague Ashok, to introduce the first reading that we are doing and to go on from there. We'll do readings, short readings. After that, we'll open up the thing for discussion. Yeah, thank you, Sudhana. I think the first natak jo hai hamara, jiski hum reading karenge, wo uska naam hai, Wo Bol Uthi. Wo Bol Uthi natak teen kahaniyon ki ek kadi hai. इसमें पहली कहानी है वो जोगी बस्ती में रहने वाली एक बच्ची की आवाज है, दूसरी कहानी में मिडिल क्लास की एक औरत की आवाज है, और तीसरी कहानी एक फैक्ट्री में उठाई गई एक महिला की मजदूर आवाज है जो अपनी मांग को स्ट्रॉन्गली उठाती है। तो अभी जहां से हम इस नाटक को पढ़ रहे हैं वो तीसरी ही कहानी है। फैक्ट्री मजदूरों की मीटिंग में मजदूर नेता हरि मोहन सभी को संबोधित करते हुए कहता है, हाँ तो भाइयों, इन मांगों का एक मांग पत्र बनाकर मालिक को देंगे, ठीक है? काहे का मांग पत्र, सीधे हड़ताल करते हैं। हाँ हाँ, हड़ताल करेंगे। हमने कोई चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? हाँ हाँ, हड़ताल करो, दो दिन में साले कपूर को पता चल जाएगा। हड़ताल भी कर लेंगे, बैठ जाओ। पहले सारे मजदूरों का एका तो बनने दो, हमें मालिकों को अपनी ताकत दिखाने दिए। जब हड़ताल का वक्त आएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मजदूर जोश में शोर मचाते हैं। हरि मोहन भैया, हमारी भी एक मांग जोड़ लो। हाँ हाँ रेशम, बोलो। औरतों के लिए अलग बाथरूम हो। क्या क्या कहा? औरतों के लिए अलग बाथरूम हो। बाथरूम औरतों के लिए? ना 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 ना, ये बेकार की मांग है। अलग बाथरूम की मांग बेकार की मांग नहीं है। बेकार की मांग है। नहीं है। है। अरे मोहन भैया, ऐसे कैसे बेकार की मांग है, हम औरतों की भी तो सुनो। तो पूछ लो, तो सुन लो औरतों की भी, हमने मना किए क्या? वो बैठी पार्वती मौसी, ए मौसी, ए बोलिए जरा, है? लो सुन लो, पिछले 10 साल से काम कर रही है पार्वती मौसी यहाँ पर, इन्हें तो जरूरत ना हुई अलग बाथरूम की। इस फैक्ट्री में 20 औरतें हैं, उनके लिए अलग बाथरूम तो होना ही चाहिए। इस मांग को भी मांग पत्र में रखना जरूरी है। सुभाष, तू लिखता क्यों नहीं है? सुभाष, हरगिज नहीं लिखना। हरिमोहन रेशम की बात पर मजदूरों के बीच में बहस होती है और गहमा गहमी होती है। अरे हरिमोहन, इस मांग को रख लेने में कोई हर्ज नहीं है।
अरे मालिकों को जब हम मांग पत्र देंगे तो वो सारी मांगे थोड़ी ना मान लेंगे, कुछ एक तो वो छोड़ भी देंगे ना। शफी भैया, अगर मालिकों ने बाथरूम की मांग मान ली और बाकी छोड़ दी तो? शफी कैसी बात कर रहे हो, मांगे रखी जाती है मनवाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। और हम यहाँ यूनियन बनाने की बात कर रहे हैं, दुम दबा के भागने की नहीं। इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि सिर्फ जरूरी मांगों को रखना चाहिए। अलग बाथरूम की मांग जरूरी मांग है, गैर जरूरी है, इससे हमारा ही नुकसान है। वो कैसे? भाई देखो, मालिक अगर ये अलग बाथरूम बनवाएगा तो वो उसका पैसा मजदूरों की जेब से काटेगा, आपकी जेब से, आपकी 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 जेब से काटेगा। भाई या तो वो अपना डीए नहीं बढ़ाएगा या फिर पूरा वेतन नहीं देगा। ऐसे में हम वो मांगे क्यों उठाएं जिससे हमारा ही नुकसान होता है, क्यों भाइयों? श्यामदत्त और जगदीश हामी भरते हैं, बाकी मजदूर बहस करते हैं। वाह, ये अच्छी रही। अब तुम कल को ये कहोगे कि वेज बढ़ाने की मांग उठाना ही फिजूल है। क्यों? क्योंकि अगर मालिक वेज बढ़ाएंगे तो फैक्ट्री में बनी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे रोजमर्रा का खर्चा बढ़ जाएगा और बात वहीं के वहीं आन पहुंचेगी। लिहाजा वेतन बढ़ाने की मांग ही फिजूल है, यूनियनबाजी का ये जो टंटा है यही गैर जरूरी है। ये सब मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि बाथरूम की मांग गैर जरूरी है तो है। तुम कौन होते हो ये बात तय करने वाले? मैं प्रधान हूं। प्रधान है, ज्यादा टैटे ना करियो। अगर तुम बाथरूम की मांग के हक में नहीं हो तो हम औरतें तुम्हें प्रधान नहीं मानेंगी। औरतों की कोई जरूरत नहीं है यूनियन में, तुम्हें बुलाया किसने? अरे मोहन, ये मजदूरों की मीटिंग है, औरतें मजदूर नहीं है क्या? और तुमने ये भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक भी मजदूर को अलग थलग नहीं करना। मैं तो पहले ही कह रहा था, क्या जरूरत है औरतों को मीटिंग में बुलाने की? यूनियन बनाना मर्दों का काम है, हम देख लेंगे सारा काम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये नहीं होने का, औरतों के बिना यूनियन नहीं चलने की। एक तो कह रहा है शानदार, हम है ना बाकी सबके मांग देखने के लिए। औरतों को तो चाहिए कि काम पर आए, काम करें और घर जाएं, बच्चे पालें। ये यूनियन का काम मर्दों पर छोड़ दे तो अच्छा है। नहीं, तुम मर्द औरतों की दिक्कतों को समझते ही नहीं हो। संडास के बाद से उपकाई आती है, बिंदिया पेट से है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे पेशाब लगता है, मगर बास के मारे जा नहीं पाती, बिना पानी के रोटी गटकती है वो। तुम लोगों को क्या मालूम हम में से कितनी औरतें हैं जो दिन में एक कप चाय भी नहीं पीती। तुम लोगों के लिए ये बाथरूम की मांग जरूरी हो ना हो, हमारे लिए ये मांग बहुत जरूरी है। रेशम ठीक कहती है, हमें इस मांग को मांग पत्र में रखना होगा। अगर ये मांग पत्र में रखी गई तो मैं प्रधान नहीं रहूंगा। शोर मचाते हुए सारे मजदूर देख दो खेमों में बच जाते हैं। अरे मोहन, तेरे भेजे में ये बात घुसती नहीं है, ठीक तो कह रही है वो। तो इस पे सुभाष कहता है, हरिमोहन तेरे भेजे में ये बात घुसती ना है, ठीक। चुप करो, बैठ जाओ, झगड़ा बंद करो। हमारी लड़ाई मालिकों से है, आपस में नहीं। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो अपनी मांगे क्या खाक बनवा पाएंगे? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम ही बताओ, क्या डीए दिला पाएंगे, न्यूनतम वेतन बढ़वा पाएंगे, या तुम बाथरूम की मांग बनवा पाओगी? कौन कौन सी मांग पत्र में रखनी है यह हमें मिलजुल के तय करना है। मैं भी तो वही कह रही हूं ना, जब सब मजदूर कह रहे हैं कि बाथरूम की मांग को मांग पत्र में शामिल किया जाए तो ये प्रधान कौन होता है हर चीज अकेला तय करने वाला? अबे वो प्रधान है, प्रधान
पता भी है तुझे प्रधान क्या होता है? मैं तो कहती हूं कि इस बात पर मजदूरों के बीच में वोट करा लो। वोट के पक्ष और विपक्ष में शोर मचता है। शांत हो जाओ। बाथरूम की मांग को लेकर वोट होगा। जो बाथरूम की मांग के पक्ष में है वो लोग अपना हाथ ऊपर खड़े करें। बस इतने ही लोग? नहीं नहीं शफी भैया, और लोग भी हैं इस मांग की पक्ष में। आप लोगों को नहीं लगता कि औरतों के लिए अलग बाथरूम की मांग जायज मांग है? डॉक्टर लागू, आपको नहीं लगता? जिन लोगों को लगता है ऑडियंस में कि औरतों के लिए अलग बाथरूम की मांग जायज मांग है, वो चैट बॉक्स में यस लिखें। मिलेना जी, आपको नहीं लगता? श्याम दत्त जी, शान जी, बिल्कुल लगता है। जिन जिन लोगों को लगता है वो चैट बॉक्स में यस लिखें। पद्मा जी, आपको नहीं लगता? देखा शफी भैया, इतने सारे लोग हैं बाथरूम की मांग के पक्ष में। ठीक है हाथ नीचे कर लीजिए। अब वो लोग हाथ उठाएं जो इस मांग का विरोध करते हैं। कोई नहीं होगा। वोट क्या कराना है जी? ये वाला बाथरूम तुम इन्हीं को दे दो। हमारा क्या है, हम तो मस्त मलंग हैं, खुले में होलेंगे। इन्हीं को जीना होगा आंखें बंद करके। बाथरूम क्या बनवाना भैया जी? बुनाई के पीछे वाला मैदान हमारा, रंगाई के पीछे वाला मैदान इनका। हो गया बाथरूम तैयार। घास की लंबाई से पता चल जाएगा किस पे कितना दम है। मालिक से बोलो झाड़ियां लगवा दे। जो मजा झाड़ियों में जाने में है वो मजा बात। शर्म नहीं आती तुझे? मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। अरे उसे क्या कहती है? खुद अगर ऐसी बातें करेगी तो यही सुनने को मिलेगा। औरत है, औरत की तरह रह। लाज हया तो सब छोड़ दिया तैने। वाह जी वाह, बदतमीजी करो तुम और लाज हया है हमें। जिन्हें झाड़ी में जाने में मजा आता हो ना, वो जाएं झाड़ी में। औरतें तो बाथरूम में ही जाएंगी। बाथरूम में जाएगी तुम? तो बड़ी मेम साहब है ना? हाँ हूँ मैं मेम साहब। मेम साहब तो रेशम ऐसा कर, तू जाकर कपूर साहब की सेक्रेटरी बन जा, फिर उन्हीं के बाथरूम में होलियो उनके संग। रेशम शामदत्त को घूरती है, उसके पास जाती है और घुमाकर थप्पड़ मारती है। ठनी पहाड़ सी तनी, फौलाद में ढली गोली सी चली। हर गांव हर गली वो बोल उठी, वो बोल उठी। ना लक्ष्मी रणचंडी हम, ना दुर्गा का अवतार, ना अग्नि परीक्षा, ना जौहर स्वीकार, ना पांच अली, ना मैथिली, ना हम करम जली। वो बोल उठी, वो बोल उठी। लड़ी तो बहुत खूब है मगर नहीं मर्दानी, औरत है हाड़ मास की नहीं महज कहानी। जब चुप तो भली, जो बोली तो खली। वो बोल उठी, वो बोल उठी, वो बोल उठी, वो बोल उठी। तो ये था एक अंश। तो ये था एक अंश हमारा आज के पहले नाटक का। दो और नाटक के अंश हम पढ़ने वाले हैं। दूसरे नाटक को इंट्रोड्यूस करेंगी कौमिता। आज जो हम दूसरे नाटक का एक सीन आपके सामने पढ़ेंगे, इस नाटक का नाम है अनसुने अफसाने। ये नाटक हमने लगभग 2 साल पहले बनाया था। ये नाटक बात करता है, जो भारत के अंदर अभी बहुत रिसेंटली लेबर कोड्स आए हैं, जो नए कानून आए हैं, श्रम कानून आए हैं, जिनमें रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको लेकर इस नाटक को हमने बनाया था। और ये नाटक जो है वो बात करता है कि जो श्रम कानून में जो बदलाव किए गए हैं उसका मजदूरों की जिंदगी पे
किस तरह से सीधा असर होगा, यूनियन बनाने पे किस तरह से असर होगा। ये नाटक की जो कहानी है उसमें दरअसल दो कहानियां हैं जो आपस में घुली हुई हैं, गुथी हुई हैं। उसमें से एक कहानी एक बहुत यंग मजदूर की कहानी है, रोहित उसका नाम है, जो कि एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम करता है और एक दिन फैक्ट्री में एक हादसे से वो रोहित की जो है मौत हो जाती है और उसकी लाश को उठा के जो है वो आनंद फानन में किसी अस्पताल में छोड़ दिया जाता है। दूसरी जो कहानी है वो एक मिडिल एज्ड महिला मजदूर की है, आयशा, जिन्होंने रोहित की लाश को जब ले जा रहे थे उसको उन्होंने देखा है। आयशा जो है वो बहुत सालों से एक फैक्ट्री में काम करती हैं। वो शुरू में नाटक में यूनियन के साथ नहीं होती हैं, लेकिन नाटक के अंत तक आते आते वो यूनियन के काम में जुड़ जाती हैं और रोहित की मौत का उनके ऊपर एक असर होता है। अभी जो हम आपके सामने सीन पढ़ेंगे वो सीन बेसिकली जहाँ पे आयशा काम करती हैं उस फैक्ट्री का सीन है। वो लोग सर्किट बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और इस सीन में हमने दिखाने की कोशिश की है कि जो मजदूरों के फैक्ट्री के अंदर वर्क कंडीशंस होते हैं, व्हाट आर दोज वर्क कंडीशंस आर लाइक, एंड उसका असर जो है वो मजदूरों के काम के जिंदगी पे तो पड़ता ही है, साथ ही साथ उनकी जो निजी जिंदगी है उसके ऊपर भी उसका एक असर पड़ता है। तो नाटक के लगभग मध्य में ये सीन आता है जहाँ पे फैक्ट्री का दृश्य हम दिखाते हैं। सर्किट बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री का दृश्य, मजदूर काम करते हुए। इंदर और मैं 20-22 साल के रहे होंगे जब से जेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं। इतने सालों में कुछ ना बदला, वही अंधेरा हॉल, वही बिजली की नंगी तारे और 1-2-3 टिमटिमाते बल्ब। हमारे यहाँ कितने आए और कितने गए। पुराने वर्कर अब कम ही हैं, ज्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियां। भर्ती कम हो रहे, निकाले ज्यादा जा रहे। हमें तो आज तक ना निकाला मालिक ने फैक्ट्री से। तू भी ना इंदर, हमेशा कुर्ता रहता है। ना अंजलि, ऐसे नहीं, हाथ दबा के, हाँ थोड़ा घुमा के, हाँ शाबाश। खराब पीस के पैसे काट लेता है मैनेजर। अब हमें तो नहीं सिखाती ऐसे आयशा जी। हाँ आयशा जी, इसे सिखाओ मुझे कौन सा इस फैक्ट्री में जिंदगी भर रहना है। सही बात है, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर और अच्छे किसी दफ्तर में ना नौकरी पर लग जा। आयशा जी मेरा बड़ा ख्याल रखती है, पिछले साल की बात है, मैं सबके लिए मिठाई लाई हूँ। किस खुशी में? मेरी शादी पक्की हो गई। वाह, बहुत अच्छी बात है। ओहो, अब तेरी पढ़ाई का क्या होगा? क्यों आयशा दी? ये आयशा, इतनी जल्दी क्या है अंजलि? अभी तो तू हुई है ना सिर्फ 20 की। शादीशुदा लड़कियों को फैक्ट्री में नहीं रखता है मालिक, कमाएगी कैसे? और फिर क्या पता तुझे कैसा ससुराल मिले। आयशा दी, तुम चिंता मत करो, चंद्रभान को मैं पहले से जानती हूँ, बहुत अच्छा है वो। मेरा वाला भी ना शुरू में बहुत अच्छा था, बाद में हरामखोर निकला। 3 महीने पेट से थी जब पति को छोड़कर आना पड़ा मुझे। क्यों, तुम्हें ठीक से नहीं रखता था वो? तू छोड़ पुरानी बातें, जा और अब तू जा अपना काम कर और सुन, पढ़ाई में ध्यान दिया कर। हाँ अंजलि, पढ़ाई कर ले और कलेक्टर बन जा। पहले जेडी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही फैक्ट्री थी, औरत और मर्द सब एक ही यूनिट में काम करते थे। पुराने मालिक की जगह उसके बेटे ने फैक्ट्री संभाल ली। मालिक बदले
पर हालात नहीं। मिनिमम वेज, ओवर टाइम ना पहले मिलता था ना अब। मिलता तो है। कैसे? 8 घंटे काम करो तो 8,000, 10 घंटे का 10,000। मिनिमम वेज 14,000 है और ओवर टाइम डबल मिलना चाहिए। आजकल के मालिक बड़े शातिर हैं। यूनियन ना बने इसलिए फैक्ट्री को छोटी यूनिटों में बांट दिया है। फैक्ट्री में अनाउंसमेंट होती है। जेडी लेफ्टिनेंट के सभी मजदूरों को जय माता दी। माता रानी की कृपा बनी रहे सब पे। आपको सूचित किया जाता है कि अगले महीने से हमारी कंपनी जेडी इलेक्ट्रॉनिक्स 4 यूनिटों में बांट दी जाएगी। जय अंबे, जय भवानी, जय चामुंडा, जय काली। आज जाने से पहले अपनी नई यूनिट की वेतन पर्ची लेकर जाएं। जय माता दी। फैक्ट्री 2 यूनिटों में बट जाती है। महिलाएं और मर्द अलग अलग समूह में बैठकर काम कर रहे हैं। नाम बदले थे पर हालात नहीं। वही अंधेरा हॉल, वही बिजली की नंगी तारें और 1, 2, 3 टिमटिमाते बल्ब। महिला मजदूरों की अब एक अलग यूनिट है और हर यूनिट का अलग सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनते ही मजदूर बदल जाते हैं। ये मजदूरों को बांटने का एक और तरीका है। हाय, ठीक से काम करो ना बेटा। ऐसे नहीं, हाथ घुमा के दबा के। हाँ शाबाश, ऐसे। हमारी आयशा दी तो ना बदली सुपरवाइजर बनने के बाद। अच्छा तो फिर क्या है उन्हें? तुम्हें यूनियन मीटिंग में और हड़ताल में आने दे। जरूर आने देंगी वो इन्हें। हर बार हड़ताल के दिन पिकेटिंग लाइन तोड़कर सभी महिला वर्करों को अंदर ले जाती हैं। ना खुद यूनियन से जुड़ती हैं और ना किसी और को जुड़ने देती हैं। पहले ही औरतों को आधा पौना वेतन मिलता है। यूनियन के काम के चक्कर में मालिक ने निकाल दिया तो कमाएंगी कैसे? जानकी बुआ भी तो है यूनियन में। वो कहती है लड़े बिना हक नहीं मिलता। नए लेबर कोड के पूरी तरह लागू होते ही पुराने श्रम कानून खत्म समझो। मैं तो अब से जाया करूंगी यूनियन की मीटिंगों में। तुम भी चलोगी ना मेरे साथ? इतने प्यार से कह रही है आयशा दी, हाँ कह भी दो ना। शिफ्ट खत्म होने पर इंदर और बाकी मजदूर चले जाते हैं। डंडा लेकर भगाना था उसे। भागने की हालत ना है मेरी। क्यों? 6 महीने हो गए शादी को, अभी तक पांव से पहले मेहंदी ना उतरी? नहीं वो दरअसल। क्या दरअसल? ये वो छोड़ और आज का कोटा पूरा कर, वरना मैनेजर मेरी जान खाएगा। ऐसे ना छूटेगी जान। जान की बुआ कहती है आने वाले दिनों में यूनियन तक ना बना पाएंगे हम। ये जान की भी ना बस। देख, धरना प्रदर्शन से कुछ ना होने का, मालिकों से बात करके सब कुछ सुलझाया जा सकता है। किन मालिकों की बात कर रही हो आयशा दी? जो औरतों को समान काम का समान वेतन नहीं देता, शादीशुदा औरतों को कंपनी से निकाल देता है, नए लेबर कोड में रोज के काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी सब हटा दिया है। 4 से कम महिलाएं हुई तो क्रेश नहीं मिलेगा और मैटरनिटी लीव वो तो भूल ही जाओ। तुझे क्या पड़ी है क्रेश और मैटरनिटी लीव की? मुझे चाहिए होगी ना। सच्ची? चलिए तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ बैठ जा और सुन। इस फैक्ट्री में मेरे साथ भी कोई हादसा हो गया तो? Mala, we can't hear you. Yeah. Should we just take now it from the back? Now we can. Yeah. Should we just take it from the back? Yeah. तुझे क्या पड़ी है क्रेश और मैटरनिटी लीव की?
मुझे चाहिए होगी ना। हे सच्ची, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। चल यहाँ बैठ जा और सुन, मन हल्का रखा कर और देख इन मनोज तारों से दूर रहियो। इस फैक्ट्री में मेरे साथ भी कोई हादसा हो गया तो? ऐसा क्यों कह रही है? कल जोगिंदर हाईटेक के लतीफ भैया घर आए थे। क्या कह रहा था लतीफ? पूछ रहे थे इंडस के किसी रोहित कुमार को देखा है या नहीं। काम पर गया था पर लौटा ही नहीं। कौन नहीं लौटा, कौन रोहित? इंडस का कोई मजदूर है। तुमने तो किसी को नहीं देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी रोहित को नहीं जानती हूँ। और तू यहाँ क्यों खड़ी है, देर हो रही है, चल जा घर, जा जा जा। ठीक है आयशा जी, कल मिलते हैं। हाँ, डर लगता है मुझे इस अंधेरे से। फिर किसी को लीन लेगा ये, फिर किसी अजन्मे बच्चे को डसेंगे ये नंगी तारे। उस वक्त मैं 3 महीने पेट से थी जब पति को मैं छोड़कर आई थी। मेरे घर वालों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, मैं बिल्कुल अकेली थी। रोज फैक्ट्री जाती, प्रोडक्शन का काम पूरा करती और अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में सपने देखती। फिर एक दिन मालिक ने 1 महीने का ऑर्डर हफ्ते भर में पूरा करने को कहा। डबल शिफ्ट करने लगी मैं, 12 घंटे से ज्यादा हो गए थे काम करते हुए। सभी मजदूर थकान से पस्त थे, मशीनें गर्म हो रही थी, तारों में शॉर्ट सर्किट हो रहा था। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बिजली के तेज झटके से मैं जमीन पर गिर गई। अस्पताल में होश आया तो सब खत्म हो चुका था। इंदर और जानकी ने कहा कंपनसेशन के लिए यूनियन की मदद ले ले, पर मैं क्यों जाती, किसके लिए? मालिकों ने इलाज का खर्चा दे दिया और मुझे नौकरी भी मिल गई। मैंने अपनी जिंदगी इस अंधेरे में ही बिता दिया। लेकिन लेकिन इन तारों से अब अगर अंजलि को कुछ हो गया तो? और रोहित, रोहित उसका क्या हुआ? दोस्तों, ये अभी आपने अनसुने अफसाने के। अब हम जो नाटक जिसके अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जिक्र सुधन्वा ने शुरू में किया था, हल्ला बोल। हल्ला बोल वो नाटक था जिसको खेलते हुए जननाट्य मंच पे 1 जनवरी 1989 को वो हमला हुआ था जिसमें सफदर हाशमी और राम बहादुर की मौत हुई थी। ये नाटक दरअसल उस समय दिल्ली में 1988 में मजदूरों की हालत इतनी दयनीय थी कि उनको न्यूनतम वेतन मिलता था 562 रुपए महीने के, 562 यानी 562 रुपीस वो न्यूनतम वेतन था। तो उस न्यूनतम वेतन के साथ कुछ और मांगे थी यूनियंस की, उनको लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के बैनर तले दिल्ली के मजदूरों ने एक ऐतिहासिक हड़ताल की थी, 7 दिन की हड़ताल, जिसमें एक मांग ये थी कि 562 से न्यूनतम वेतन 1050 हो जाए। तो वो बहुत सफल हड़ताल थी। उस हड़ताल के बाद की परिस्थिति को दिखलाते हुए, उस हड़ताल के लिए जननाट्य मंच ने एक नाटक किया था चक्का जाम, उसके बाद की परिस्थिति को दिखलाते हुए जननाट्य मंच ने यह नाटक बनाया हल्ला बोल। और वो नाटक लेकर हम लोग गए थे 1 जनवरी को जब वो हमला हुआ था। जहां से हम इस नाटक के अंश पढ़ रहे हैं वहां जब कलाकार मजदूरों की परिस्थिति दिखलाते हुए नाटक करते हैं तो बीट ऑफिसर यानी कि एक पुलिस कांस्टेबल उनको रोकता है और रोककर उनको कहता है कि मेरे इलाके में हड़ताल पे मजदूरों पे नाटक नहीं होगा, ये नाटक नहीं चलेगा।
तो कलाकार तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह से अपनी बात नाटक के माध्यम से कह पाए, और वो एक लव स्टोरी पेश करते हैं, एक आशिक मशूका की दास्तान। तो आइए देखते हैं आशिक मशूका की ये दास्तान। अच्छा ठीक है हवलदार साहब, जैसा आपका हुक्म, हम आपको आशिक मशूका वाला ही नाटक दिखाएंगे। तो साथियों, हवलदार साहब नारों वाला इंकलाबी नाटक करने की इजाजत तो देते नहीं, इसलिए हम आपको प्यार मोहब्बत का नाटक दिखाते हैं। सारे पात्र आपस में बात करते हैं, बाग बनाते हैं, आशिक माशूका पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते गाते हैं। आ मेरे हम जोलिया खेले आंख मिचोलिया, गलियों में बाहरों में बागों में बाहरों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जा मैं आऊं। ना ना मैं आऊं। ना ना मैं आऊं। आ जा झुग्गी के पीछे जा बैठी छुप कर मेरी महबूबा, ए पकड़ी गई आ पकड़ी गई। जोगी। हाँ शुभ। तू पिताजी से कब बात करेगा? बस कुछ दिन और ठहर जा अशोक। क्यों, 2 साल तो हो गए तुझे इस तरह कुछ दिन करते हुए। अशोक तू समझती क्यों नहीं, अभी मेरी तनख्वाह इतनी कम है, तुझे रखूंगा कैसे। पर तेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी, पहले तो तू कहता था कि 7 दिन की हड़ताल के बाद कुछ पता चलेगा, मुझसे और इंतजार नहीं होता। देख अशोक, इतनी बड़ी हड़ताल हुई है, 13 लाख मजदूरों ने 7 दिन तक चक्का जाम रखा है, देखती नहीं मालिक कितना घबरा गए हैं। बस अब संघर्ष को थोड़ा और तेज करना है, तू देखियो अगले झटके में सरकार भी घुटने टेक देगी। सच्ची? सच्ची। ईमान से? ईमान से। खा मेरी कसम। तेरी कसम। बाय गॉड। बाय गॉड। ओए ओए ओए, क्या हो रहा है ये सब हैं? हेलो, प्यार मोहब्बत के नाटक में भी सीटू का प्रचार शुरू कर दिया तुमने हैं? ये सब नहीं चलेगा यहाँ। ओहो हवलदार साहब, आप भी हद करते हैं, अब हमारा हीरो मजदूर है, 7 दिन तक सीटू के झंडे तले इतनी बहादुरी से लड़ा है, तो सीटू का नाम नहीं लेगा, और आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे, आज तो हर मजदूर की जुबान पर सीटू का ही नाम है। ना, मेरे इलाके में नहीं होगा। मतलब ये कि मेरे इलाके का आसिक आसिक की तरह रहेगा, इधर उधर की हाकेगा तो साले को हवालात में डाल दूंगा। ठीक है हवलदार साहब, वो सीटू का नाम नहीं लेगा पर अपनी तनख्वाह की बात तो कर सकता है। अबे ये आसे गए मुनीम है, जो अपनी मासूका से तनख्वाह की बात करता है, इसे कह दे आसे की करनी है तो ठीक से करे, और जो नहीं आती तो हमें बता दे, हम सिखा देते हैं कैसे करते हैं आस की है? नहीं, 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 आप तकलीफ ना करें, वो कर लेगा। कर लोगे ना भाई? हाँ हाँ। तो भाई और बहनों, हम नाटक में फिर थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो हवलदार साहब की मेहरबानी से सेंसर हो गया। चलो फिर भाई, फिर से शुरू करते। जोगी। हाँ शो। तू आज पिताजी से बात करेगा ना? हाँ शो, तुझे जबान दी है तो जरूर करूंगा। देख घबराइयो नहीं, जरा डट के बात करियो, जैसे कॉमरेड नथु मैनेजमेंट से करते हैं। चोरी, ये कामरेड वामरेड कहां से आ गया है? गलती हो गई, सॉरी। देख घबराइयो नहीं, जरा डट के बात करियो, जैसे भगवान राम राजा जनक से करते थे। तू फिकर मत कर, मैं तेरे पिताजी को यूं यूं अपनी उंगली पे लपेट लूंगा, बस तू देखती जा तेरा जोगी किस मिट्टी का बना है। बाबा बाबा। अरे कौन मर गया, क्यों गला फाड़ रही है? तुमसे कोई मिलने आया है? कोई लेनदार होगा, कह दे घर पे नहीं है। लेनदार नहीं है, कोई और है। कौन है, कौन है बे तू?
मैं तो तुझे पहचानता नहीं। अबे क्या बात है, गूंगा है क्या? अबे कुछ बोलेगा भी या यूं सूम सा खड़ा रहेगा? जोगी जोगी माने जोगी जोगिंदर माने जोगी जोगिंदर। अबे क्या गोभी चुकंदर लगा रखी है, बोल किस काम से आया? नहीं माने मैं तो बस यूं ही माने ऐसी टाइम पास, माने जी मैं चलता हूं जी। अबे जाता कहां है, बोल किस मतलब से आया था? मुझे तो ससुरा कोई चोरू चक्का लगे। अरे तू क्यों रो रही है, मुझे क्या हो गया? ये चोर नहीं है। तू कैसे जानती है इसे? ये माने जोगी, माने मेरे से, माने तुमसे, माने अम्मारी। क्या माने 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 लगा रखा है, ठीक से बोल। अजी तुम भी हद करते हो जी, एक खुशपुस 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 खुशपुस। हाँ और सुनो, खुशपुस 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 खुशपुस। अच्छा तो ये चक्कर है, तो तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? जी जी मैं बस माने वही कहने जा रहा था। अरे माने माने छोड़, असली बात पे आ जा। जी मैं ना उसे पलकों पे बिठा के रखूंगा, रानी बनाऊंगा, रानी पूरे टब्बर में। अबे डायलॉग बाजी रहने दे, ये बता तू काम क्या करता है? जी फैक्ट्री में काम करता हूँ जी। क्या काम करता है, मैनेजर है? नहीं जी उससे थोड़ा नीचे। थोड़ा सुपरवाइजर? नहीं थोड़ा और नीचे। डिपार्ट इंचार्ज? बस जी थोड़ा सा और नीचे। अकाउंटेंट? जी थोड़ा और नीचे। थोड़ा और नीचे तो क्या वर्कर है? जी मशीन मैन। मशीन मैन, मुझे पता था ऐसे ही गए पीते से आएगा रिश्ता मेरी बेटी के लिए। सुनो सुनो, खुशपुस 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 खुशपुस। तो जी मैं रिश्ता पक्का समझू? हाँ मैं तेरा रिश्ता पक्का करूं, साले दो कोड़ी के वर्कर, फकीर की औलाद, साले 562 तनख्वाह पाता है और सपने देखता है शादी करने के। बड़ा आया शादी करने वाला, हमें अपनी बिटिया को कोई जीते जी मारना है जो तेरे से शादी कराएंगे? अम्मा बाबा हाथ में जूता लेकर जोगी का पीछा करते हैं, अशो भी पीछे पीछे भागती है। बाबा मरी, उसे मत मारो, छोड़ दो उसे। जूते मारू 562 थप्पड़ मारू 562 लाते मारू 562 ऐसी तैसी 562 नून तेल का 862 भाप बता दूं 862 देखो 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 हाथ मत उठाना। हाँ अरे जरूर उठाऊंगा, 100 बार उठाऊंगा, 562 बार उठाऊंगा। मैं बता दे रहा हूँ अशोक, रोक ले अपने बाबा को, नहीं तो खून पी जाऊंगा बुढ़ों का। साले तेरी ये मजाल, मुझे धमकाता है, मैं तुझे गिन गिन के जूते मारूंगा। पहले मुझे मारो और बाद में जोगी पे हाथ उठाओ। ए बेटी तू मत पड़ मर्दों के झगड़ों में, इधर आ जा। छोड़ दो मुझे और कान खोल के सुन लो, मेरी शादी करूंगी तो जोगी से ही, नहीं तो पूरी जिंदगी कवारी बैठी रहूंगी। हाय बेटी ये क्या कहती है, ऐसी मनहूस बात क्यों जबान पर लाती है? अरे इस मुए 562 के वर्कर से शादी का ख्याल मन से निकाल दे, जरा सोच तो सही, 562 में क्या ये खुद खाएगा और क्या तुझे खिलाएगा? इतनी कम तनख्वाह पाने वाला 5 साल 2 साल में भगवान को प्यारा हो जाएगा, तू भरी जवानी में बेवा हो जाएगी। अरे दिल्ली के वर्कर का क्या हाल है तुझे नहीं मालूम बेटी, आज नौकरी है कल नहीं, आज इस फैक्ट्री में क्लोजर कल उसमें ताला बंदी, कंदी बस्तियों में बसेरा, न बिजली न पानी और गुंडे बदमाशों का डेरा।
रोज रोज पुलिस की मार खाना और तिहाड़ जेल में रात बिताना। बिटिया अकल से काम ले, शादी का ख्याल छोड़ दे। मजदूर से शादी करने का मतलब है जीते जी मर जाना। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरी शादी जोगी से ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुनो जी, खुशबुस 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 खुशबुस। ए जोगी बेटा, देख हमें तेरे से कोई दुश्मनी तो है ना, तू शरीफ और मेहनती लड़का लगे है। हाँ, पर हमें ना अपनी बेटी के बारे में भी तो सोचना है ना बेटा। मैंने सब सोच लिया माता जी, मैं बीड़ी सिगरेट चाय सब छोड़ दूंगा। बचपने की बातें मत कर बेटा, मजदूर पैसा आदमी बीड़ी सिगरेट छोड़ देगा तो 8 घंटे काम कैसे करेगा है? मैं घर पैसा भेजना बंद कर दूंगा, बस में आना जाना छोड़ दूंगा, पैदल काम पर जाऊंगा जी, शाम को कोई और मजूरी करूंगा। ताकि साल दो साल में मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं है, ताकि मेरी बीवी बेवा हो जाए। ये सब बेकार की बातें हैं है? मैंने हिसाब लगा के देख लिया, इस शहर में 1100 कम में कोई आदमी नहीं जी सकता। आदमी तो दूर, जानवर भी नहीं रह सकता जी। वो यूनियन वाले यही तो कहते हैं कि वेज कम से कम 1050 तो होनी चाहिए। यूनियन वाले बिल्कुल सही कहते हैं। तो बिटुआ कोई ऐसी नौकरी पकड़ो जिसमें 1050 मिलते हो, फिर हम अशोक की शादी खुशी खुशी तेरे साथ कर देंगे। पर ऐसी नौकरी मिलेगी कहाँ, सब जगह 562 ही तो मिलते हैं। तो बेटा तू मालिक से कह सुनकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश तो कर। अजी हाँ माता जी, सालों ने रो रो कर 2 साल में 73 रुपए बढ़ाए हैं, वो भी इतनी लंबी लड़ाई के बाद। अभी ये 7 दिन की हड़ताल लड़ी, मालिक तो डर के मारे बढ़ाने को तैयार भी हैं, पर सरकार के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी अभी तक। तो बेटा हाथ पर हाथ धर के मत बैठो, अपनी लड़ाई को और तेज करो। वो तो आपके बताए बगैर भी कर रहे हैं जी, अब तो सारे के सारे मजदूर सीटू के मेंबर बनेंगे और उसका झंडा उठाकर और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। ए, सालो, मैं कुछ कह नहीं रहा तो तुम तो फैलते ही जा रहे हो, हैं? बहुत हो गया, चलो उठाओ अपना ताम तोबड़ा और चलते फिरते नजर आओ यहां से, भागो। ये था हमारा तीसरे नाटक का अंश। अब उससे पहले के हम इसमें चर्चा में आए, दो तीन मैं लिंक्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि अब हल्ला बोल जो पुस्तक है, ये वाली हल्ला बोल द डेथ एंड लाइफ ऑफ सफदर हाशमी, ये हिंदी का एक पॉडकास्ट हम बना रहे हैं और उसका लिंक मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। उसके अलावा ये किताब अगर आप लेना चाहें तो ये अमेरिका में अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां से ले सकते हैं। Okay. और अगर आपको जो नाटक है उसमें अगर इंटरेस्ट है तो जो नाटक हमने पढ़े आज उनमें से 2 नाटक और बाकी बहुत से और नाटक आपको इस साइट पे आपको मिल सकते हैं। ये किताब है सरकश अफसाने के नाम से, ये अशोक जो के आज अलग अलग रोड जो पढ़ रहे थे अशोक ने इसको एडिट किया है। उसके अलावा एक और किताब है थिएटर ऑफ द स्ट्रीट्स द जननाट्य मंच एक्सपीरियंस, ये भी लेफ्टवर्ड की साइट से उपलब्ध है। तो ये कुछ किताबें थी जो हमने सोचा कि हम आपके साथ हम साझा करें जी। तो अगर सवाल बात इस दौरान मैंने सवाल देखे नहीं है, आई एम श्योर दैट देयर आर सम क्वेश्चंस, देयर आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ सेवरल क्वेश्चंस, सो आई एम श्योर सुदनवा। So first, before we begin, just wanted to say thank you for sharing those links. But thank you for presentation of the Jananatya Manch and these three small aunsha of the nataks. Very, very eye-opening to say the least.
आम्ही इथे नाटक वगैरे करतो सगळा अहंकार एकदम गळून पडला वगैरे वगैरे. सो पण लेट अस ओपन द फ्लोर टू डू लिटल बिट ऑफ डिस्कशन. बट बिफोर वी ओपन द फ्लोर माय रेग्युलर रिक्वेस्ट टू ऑल अवर ऑडियंस मेंबर्स, कीप युअर कॉमेंट्स ब्रीफ, वी गिव एवरीबडी अ चान्स टू स्पीक, अँड ऑफकोर्स म्यूट युअर माइक इफ यू आर नॉट स्पीकिंग. So there is no background noise coming in. With that, just very quickly, there was one question that came earlier from Vaishali Barve, who said, any example of any social change through street theater? Just curious. And Aarti Ranade also seconded Vaishali's question. Also, they wanted to know more about the writers of these scripts. Yes. So very quickly, just to say that this this book, for instance, has many examples of how street theater impacts or you know works alongside movements for social change. Jo aakhri natak humne padha halla bol maslan usi ko agar aap dekh le to jo hartal hui thi wo bahut kamyab hartal hui thi. Us hartal ke kamyab hone mein is natak ka ek role tha. Lekin ye kehna bhi theek nahi hoga ki natak ki wajah se hartal ya natak hi ek cheez thi jiski wajah se hartal जो है वो कामयाब हुई. लेकिन हड़ताल कामयाब से मतलब ये है कि एक तो मजदूरों ने बहुत बड़े बहुत बड़ी तादाद में उस हड़ताल में हिस्सा लिया. लेकिन ये भी कि आज अगर आप देखें ये नए लेबर कोड आने से पहले की अगर बात करें तो अगर आप देखें तो दिल्ली में मजदूरों का जो मिनिमम वेज है वो दैट्स अमंग्स द हाईएस्ट इन द कंट्री. एंड द रीजन फॉर दैट इज द अग्रीमेंट दैट द यूनियंस वर एबल टू हैव with the government in 1988. And I'm not going into the details of what exactly that agreement was. All of that is there in my book. But that's one very clear example of how theater and a movement for social change can work together and bring about change. But of course, there are many, many other such examples. The other question about the writers of the plays, isme alag alag तरह से ये होते हैं नाटक और अलग अलग तरह से बनते हैं. हल्ला बोल जो नाटक है उसके मेन राइटर थे सफदर हाशमी, बट देयर वर आल्सो अदर पीपल हु कंट्रीब्यूटेड यू नो. एंड देन सबसिक्वेंटली सो द फर्स्ट प्ले दैट वी रेड आउट द प्ले कॉल्ड वो बोल उठी, उसके मेन राइटर हैं ब्रिजेश हु इज देयर ऑन द स्क्रीन टुडे. बट देन अगेन द होल प्रोसेस इज extremely collaborative. The third play that we read, Ansune Afsane, has been written and directed by Komita, who also introduced the play today. But the point I'm making is that irrespective of who writes the play and who directs it, the process is extremely collaborative. Mm. Extremely collaborative. So everybody contributes. Whoever is there in rehearsal at that time contributes. Some people who may not be actors in the play also. They also come and contribute in different ways. And then there's a way in which once the play starts being performed, jo pehla show hota hai, uske baad mein bhi 20, 25, 30 show hote hain jab tak ke natak jo hai settled hota hai. Hamare liye aam taur pe natak ka pehla show bahut badi cheez hoti hai, aur you know, debut hai, whatever, premiere, etc. Hamare liye waise aam taur pe nahi hota. Hamare liye jab tak 20, 25 show nahi hote, tab tak hame lagta nahi hai ki natak shuru hua hai. और आमतौर पे जो सक्सेसफुल नाटक हैं उनके 200, 300, 400, 500 शोज होते हैं. तो वो उसके दौरान भी कई नाटक ऐसे हैं जो के बदलते रहते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट टू इट. या सो थैंक्स सुदनवा. दिस इज एग्जैक्टली माय क्वेश्चन वाज अबाउट द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिकॉज ऑल दीज प्लेज आर वेरी मच ऑन द करंट इश्यूज. And who writes all this or who comes up with these ideas, because the dialogues were very direct, very straight and very meaningful. So a couple of people were curious that, you know, how this process goes, and you just perfectly explained it. Thank you. There is one more thing that happens. Sometimes hum apne natak jo hai na hum uska preview karte hain ya hum apne khas taur pe maan lo agar trade union ke upar natak hai mazdooron ke bare mein hai to hamare trade union ke saathi bhi badi madad karte hain kisi phrase ko sahi tarah se bolne ka khas taur pe jab wo kisi mudde ke sath juda hota hai. If it's connected to an issue or a demand they are able to phrase that quite well. So the either during a preview
or even after performances, the play is constantly changing with inputs from the audiences and the organizers. Nice. So I just have one general question. We can answer that later. But how all of you got attached to this kind of movement? About Sudhanva, we know that there is a lot of Rashtra Seva Dal and all that background. But even some of the Pathanatya that is done in Maharashtra. But how about especially the young people and even some of you who have been associated with this movement for many years? What was your driving force, to get connected to this kind of movement? Priyanka, Parikshit, aur log bhi, aap log bataiye kaise jode? Kamlesh kahi chala. My driving force is theater. I love theater. मैं लोगों के बीच में जाके perform करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. Especially जब हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे लोग काम करते और रहते हैं, तो उनके बीच जाके उस माहौल में परफॉर्म करना जब लोग अपना काम कर रहे हैं और वो काम छोड़ के आते हैं, उनकी आंखों में एक चमक होती है, कुछ हो रहा है, वो देखना, उनके सामने जाके नाटक करना, ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है. ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और वेरी नाइस. आई थिंक ऐसे लोगों को भी एंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत होती है. और मैं नीलिना दास हूँ और आप लोगों ने दिल्ली की याद दिला दी मुझे. और मैं भी दिल्ली में पली बड़ी, मंडी हाउस के खूब चक्कर काटे. और आप सब ने इतनी याद दिलाई दिल्ली की. और स्पेशली द फर्स्ट प्ले दैट यू गाइस डिड वाज सो ब्यूटिफुली डन. टॉयलेट रूम्स फॉर रेस्ट रूम्स फॉर फीमेल्स, इट्स बीन अ ऑन गोइंग आई थिंक फाइट फॉर वुमेन. एंड ऑल्सो मैं दो तीन मुद्दों पर जो देखना चाहूँगी. DTC बस में जो औरतों के साथ होता है, आई एम वन ऑफ दोज जिन्होंने DTC बस में बहुत लड़कों को थप्पड़ मारे. आई वॉज द गुंडी. और एक बारी एक बंदा मेरे घर के आसपास 7 दिन तक वो क्या होता है जो एसिड फेंकते हैं, वो उसकी बॉटल लेके घूमता रहा. क्योंकि मैंने उसको थप्पड़ मारा था. और गाली मुझको पड़ी घर में. ऑफकोर्स भाइयों ने कहा गुंडी बनती है. पापा मम्मी ने लॉकअप कर दिया, घर से बाहर नहीं जा सकते. सो औरतों को कितनी सारी परेशानियों के साथ ये सब डील करना होता है, जो आपने बहुत खूबसूरती से दिखाया तीनों प्लेस में आई थिंक. और खुशफुस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. दैट खुशफुस बिटवीन मम्मी पापा जो हमेशा घर में चलती रहती है, राइट? दो कमरों के घर में खुशफुस ही हो सकती है. बट थैंक यू सो मच for bringing these plays to us. We are so fortunate. Thank you, Dr. Lagu, who happens to be my husband's colleague also. And hum bhi yahan thodi bahut koshish karte hain Hindi Rangmanch ke dwara Hindi plays ko promote karne ki. Of course, Dr. Lagu ne mujhe mauka diya tha Kamla mein acting karne ka. So choti moti direction karti hun, chote mote. But I'm into women-oriented plays. I'm not a feminist though. I don't tag myself with any of such names, but bahut maza aaya aapke plays ko dekh ke. Pure plays padhne ke liye please agar aap log apne script share karenge to we will feel very fortunate. And agar hum isko stage kar paaye, Brijesh ji aapka jo play wo bol uthi especially mere dil ko kahin chhu gaya, kyunki auraton ki ye samasya koi nahi samajh pata hai, sirf auratein hi samajh sakti hain. लेकिन मैंने शेयर किया है, आप अगर देखें चैट में. अच्छा, तो मैंने 3 लिंक्स शेयर किए हैं, उनमें से एक लिंक है. ओके ओके, आई विल चेक. द लिंक्स हैव बीन शेयर्ड बाय सुदनवा ऑन द चैट बॉक्स. अच्छा, ठीक है, मैं चैट बॉक्स में जाके देखती हूँ. बट वंस अगेन थैंक यू सो मच. प्लीज कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग. हम लोग भी जूम पे कुछ प्लेस करें. अब जूम ही हमारा रंगमंच है जब तक ये समस्या का हल नहीं होता. बट इट वॉज रियली रियली फन टू सी ऑल ऑफ यू. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू नीलिना. लेट्स मूव ऑन. देयर आर सेवरल क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस देयर. आई विल टेक रत्नाली'स क्वेश्चन फर्स्ट. रत्नाली, आई डोंट नो इफ यू आर देयर और डू यू वांट मी टू रीड योर क्वेश्चन.
Ratnali has, of course, commented on your performances. But that last question, there is so much work to do. Is there a way to get involved with your group? Was the question that I wanted to ask. Well, yes. Thank you, Madhav. Ratnali, go ahead, please. Yes, hi, this is Ratnali. Absolutely amazing performances and theater with purpose. I am just wondering, I won't say much, just wondering how to get involved with your group. You will... Is there a way? आपको दिल्ली आना पड़ेगा उसके लिए. मतलब नाटक तो एक ऐसी चीज है, वो ऑनलाइन तो अभी हो गया, लेकिन नाटक तो दरअसल yes. मतलब रियल वर्ल्ड, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में ही होता है. उसके अलावा वो होने ठीक है, हम ऑनलाइन कर लेते हैं, अब क्या करें, कम वक्त पेंडेमिक जो है कोसते रहते हैं. मगर उसके बीच में भी हमने, जब वो कम हुआ था, हम चले गए थे मजदूर बस्तियों में, तो जब तक तो मामला ठीक था, थोड़ा सा एवरीथिंग वाज ओके हेल्थ वाइज एंड सेफ्टी वाइज. द मोमेंट दिस वायरस हैपेंड, वी हैड टू स्टॉप, यू नो, नेचुरली. राइट. सो नेक्स्ट टाइम यू कम टू दिल्ली, कम एंड मीट अस. एब्सोल्युटली, आई विल. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू रत्नाली. थैंक यू मलेश्वरी. कर सकती हूँ मंजे लिनीला, लेट्स गिव कपल ऑफ पीपल द चांस एंड देन आई विल कम बैक टू यू. ओके, थैंक यू. वैशाली बरवे, question you want to ask or should I go ahead and Vaishali's question? You can ask next time. Vaishali's question was, what is the, is there any difference between Prayogik Rangabhumi and street play? Street play, of course. Well, I mean, Prayogik Rangabhumi is something that we think of in the context of Maharashtra. Where, you know, the commercial theater and the non-commercial theater, in a sense. That's the broad distinction that one makes. In that sense, this is non-commercial, meaning that none of the actors are paid. We are all people who do other jobs in life, and you know, we are not paid for the theater that we do. It's something that we do voluntarily because we are interested, because we love doing this work, and so on. So in that sense, I guess it falls broadly under the rubric of Prayogik Rangabhumi, but not exactly in the same way. There's a much more clear political orientation to what we do. There's a much more clear social connect with organizations, with trade unions, and so on. That's not necessarily the case. Okay. Thank you. Vaishali, thank you. Sudhanva, we'll go to Vidyulata. Anu? Hello. Thank you. First, मी महेश नी जी आता कॉमेंट केली फर्स्ट की ती मला अगदी पूर्णपणे मान्य आहे. वी डू अ लिटल बिट थिएटर हियर. And this made us think to some foundation level, ki what are we doing exactly? So thank you for that comment, because, and that made us really feel alive. Like, so thank you for this thought-provoking session. And I have two questions. One is about the script, because as I said, the conventional theater we do, everything starts with the script. We have a script. And then all the effort is how we can present this, right? So how does this writing script about these things, is this the issue, is the source? Like, you find some issue, oh my God, okay, this is the big issue and we should try to represent in our script. How does the whole thing, can someone just say the journey? I'm just very curious to know, because we are so dependent on the script with the conventional theater that we do. That to understand the activity you do, I really would like to get an insight of that process. How do you go from issue to actual staging, and how does it happen? And the second thing is about the acting, because as I said, we are very used to seeing the conventional thing. I would like to get the
आर्टिस्ट और एक्टर्स रैपो, बिकॉज हियर हम लोग एक डायलॉग भूल जाते हैं तो कैरेक्टर का बेयरिंग चला जाता है. यू नो दीज आर द थिंग्स दैट वी फेस. सो हाउ डू यू डील विद दिस, बिकॉज इफ एवरीथिंग इज काइंड ऑफ फ्लूइड एंड स्पॉन्टेनियस एंड कोलैबोरेटिव, देन हाउ डू यू इवन पुट इट इन सम फ्रेमवर्क? सो एक्टिंग पर्सपेक्टिव एंड द राइटिंग जर्नी, दोज आर माई टू थिंग्स. थैंक यू सो मच, दिस इज अमेजिंग. We have our main writer here, Brijesh. So I think he's the best person to answer your first question. Basically, as you said, that definitely there are various methods. It's not only one single method. Sometimes it happens that we take up an issue and then we have lots of discussion around that, lots of readings around that. We invite people to come and speak to us on that particular issue. And then after talking to each other, then we go ahead and somebody goes and writes something, and then we work on the floor and then it gets evolved, and then again writing takes place. So it's a continuous process, a collaborative process, as Sudhanva has already talked about. Sometimes what happens that we get an issue, but we don't get an idea of what to do actually. So then we get into improvisations on that thing. And then improvisations happen, and then probably the writing part comes in later, that we say, okay, this is the dialogue. It has to be said like this. Since this is a dialogue, this cannot be said just like that. So then that writing process takes place like in a totally different fashion. So there are various kinds of processes in writing. So that is how we usually deal with this. But definitely most of the times we do take an issue, we decide on an issue and go ahead. I don't think that There have been some occasions then when we have taken a story, say a Premchand story, and then we have converted that into a play, a street play. So that's a totally different way of looking at it. But there also we decide, okay, we want a story on this particular issue. So then we get it. So that's another way of looking at it. So there are various ways in which we look at about acting. Sudhanva and others will be able to say, and about this also, I'm sure that Amita would have to say something. No, more or less what Brijesh is saying, basically, I mean, broadly, whether we follow A method or B method, there are broadly, you know, sometimes chronological, sometimes non-chronological steps that we feel that this is an issue that we need to respond to. And then we have a discussion, and sometimes we also, to be able to understand the issue more deeply, we also call people who would tell us about. So for example, agar hum koi natak bana rahe hain, jaise ye ansune afsane humne banaya, aur wo particularly labor court pe tha, to humne bulaya kuch trade unions ke logon ko, jinse humne pehle samjha ki wo kya hai, kyunki aisa nahi hai ki hum har mudde ko usi tarah se karte hain. कई बार हम लोग इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, जैसा ब्रिजेश बोल रहे हैं, और उससे कोई स्क्रिप्ट निकलती है. कभी कभी सिर्फ एक सीन निकलता है. कभी कभी इम्प्रोवाइजेशंस और सीन साथ में लिखे जा रहे होते हैं साइमल्टेनियसली. सो देर आर वेरियस मेथड, बट आई थिंक द लार्जर एंड द की पॉइंट वन इज बीन ट्राइंग टू मेक, सुधन्वा हैज ऑल्सो सेड इट, दैट द लार्जली द प्रोसेस इज कोलैबोरेटिव, विच डजंट मीन दैट देर इज नो वन पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्ले or directing a play. But when, I mean, actually, you know, it's for many of our plays, not all, many of our plays, it's very difficult for us to say that who has actually written it. There are certain plays that we know, okay, this person wrote the script through these, you know, mixture of these processes. But usually it's very difficult. It's always a Janam play. Yeah, I mean, there are many such plays where it's very difficult to pinpoint, okay, this, he wrote it or she wrote it. So largely the process has been collaborative for last so many years now. Yeah. I'd like to just add to what Komita said and what Brijesh also said, that collaborative, yes, and it keeps various methods, yes. But the point you said, that how do we decide on a script? Actually, at some point of time, it is finalized, whether it is through improvisations or an actual written text. So there have been some plays which did not have a written text, but the text was fixed through improvisations, and many shows were done, and then they were recorded and the script written. Mm-hmm. But that decision, so it is not that it is improvised in every show. No,
improvisation and the various things are during rehearsals. Once the play is ready, it is finalized. जबानी हो या लिखित में हो जो भी है और फिर उसको खेला जाता है. खेलने के दौरान नहीं बदलता है लेकिन हर शो के बाद कभी कभी बदलता है. कोई चीज चेंज किया, कुछ चीज ऐड किया, यू नो वो बदलता है. कुछ ऑडियंस के कमेंट्स की वजह से, कुछ हम लोग करते करते भी उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, वो होता है. लेकिन एक्चुअल इम्प्रोवाइजेशन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस बहुत कम होता है, नहीं होता है. Certain parts of the scripts, they are improvised. Yes, they. But for instance, songs, which are an integral part of street theatre, which we could not get many of the songs in this performance, but songs, poems, they are written. They are not improvised. Some of the I remember one poem also which Mala improvised, and it was written later, Arthanadhya. So that also happens sometimes, but usually poems and songs, they are the one which are written. Others, the dialogue portion, yes, they are given, as Mala said, that you fix it up at some point of time, but even after the first writing, they keep on changing, as happens with all theater, I suppose. It's never, it does changes on the floor. There are some people who will say, ki, oh, we won't change, but usually that happens. In our kind of theater, it definitely happens. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Anu. We have eight more minutes, several people to go through. Sulekha ji, very quick comment you had. Yeah, I just wanted to say that when I was in college, like in 1980, our mm-hmm. chota sa gachi nyakta, ya terash play ka chota sa hamara group tha. और वो मेरी गच्ची नाट्य और पथनाट्य की पहली पहचान थी. लेकिन उस समय पे वो एक छोटा सा पौधा था समझ लो, लेकिन आज 40-42 साल के बाद उसका इतना बड़ा वृक्ष बना है जो मैंने आज देखा. तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है और आप सबको मेरे तरफ से हार्टफेल्ट सल्यूट. आप प्लीज ये काम अपना कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बस यही कहना था. थैंक यू. थैंक यू सुलेखा जी. Subodh, So couple of quick comments before I come to my question. So first of all, Sudhanvarji, your initial commentary was very engaging. It was very interesting. Thank you. And the whole team, you have done an amazing job. It was very nice to hear all of you. And as someone else mentioned, the fact that there were problems with Zoom and other such things, but you picked it up right away after that. It was very good. My question is about some of the responses that you got. For example, even when we were watching over here, Komitaji got us involved by asking for that poll. I wonder what sort of responses you got from the audience over there for your live shows. Would they come talk to you later on? Would they just disperse? Would they come to your shows later again? Would they call you? What sort of interaction did you have with them? So, I mean, when we do Bo-Bo-Lo-Ti in working class areas, we usually get mostly people raise their hands. But there are always people in the audience who are like little hesitant and they are, you know, looking at each other, whether should I, you know. And then that's the moment where one has to kind of say ki, you know, don't you think there will be probably, I don't remember, Mala probably would remember if that has happened, that there is hardly anybody who doesn't raise his or her hand. तो कभी कभी थोड़ा उनको उकसाना पड़ता है कि आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं है. और क्योंकि तब तक ये नाटक की आखिरी कहानी है, इस नाटक में भी ये बिल्कुल almost end की तरफ जब हम जा रहे हैं तब ये मोमेंट आता है करने के लिए. तो वो एक है, इस नाटक में एक मोमेंट है. जूम के लिए हमने इसको ऐसे किया कि चैट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाए, पहली बार ही किया हमने. और इंटरैक्शन जो होते हैं हमारे इस नाटक में या किसी और नाटक में, उसके बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. यूजुअली हम एक शाम में 3 या 4 शोज करते हैं, तो एक शो किया, दूसरी गली में दूसरा शो किया. तो बहुत जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे इंटरैक्शन का हमेशा मौका मिले, लेकिन लोगों को कैसे लग रहा है नाटक, ये हमें या उनका क्या कहना है, रिएक्शंस, वो अक्सर हमें लाइव परफॉर्मेंस करते समय पता चल जाते हैं, या जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हमें बुलाती हैं
वो बाद में कहती हैं कि लोगों को नाटक अच्छा लगा या जैसा लगा। कभी कभी लोग आते भी, अक्सर बच्चे होते हैं इलाकों में बहुत सारे, तो वो एक शो देखते हैं फिर वो हमारे पीछे पीछे दूसरी गली में जाके शो देखने लग जाते हैं, तो उस तरह की चीजें होती हैं। तो स्ट्रीट थिएटर में जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन है वो एक्चुअली मल्टीपल लेवल्स पे होता है हम लोगों का, वो सिर्फ कोई एक ये कहना कि कई बार लोग ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हमने राशन के मुद्दे पे नाटक किया और लोगों ने बाद में आके कहा है कि हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए, तो अब हम तो नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस उस इलाके में काम कर रही हैं उनके साथ उनको जोड़ा जो है वो जा सकता है, वो फिर उनसे बात करते हैं। सो देर आर मल्टीपल वेज इन विच वी एज स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मर्स गेट टू इंटरैक्ट विद विद आर ऑडियंसेस। या ब्रॉडली दैट्स द या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। Thank you, Komita. Thank you, Subodh. We have 5 more people to go through very quickly, guys. Nilina? Thank you again. Just want to make a quick announcement. Agle Sunday, isi samay hum log ek monologue competition kar rahe hain through Hindi Rangmanch. So, aap log, anybody who is interested, please join us. We'll have unknown judges, to be fair, America, India, kahin UK, kahin se bhi, and 2-3 minute ka monologue. Aap Hindi ya English mein, दो लैंग्वेजेस में रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस समझना मुश्किल हो जाएगा। सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड प्लीज मैसेज मी एंड आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू निकिता। अतुल? या थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तौरे प्रतिष्ठान। ऑल दिस टाइम आई हैव बीन वाचिंग वाज अ साइलेंट लिसनर एंड वॉचर, बट दिस प्रोग्राम पर्टिकुलरली force me to really speak about it, so this is really great. And Sudhanva, you and your team has done splendid job to really what you guys are doing is awesome. In fact, my question was really Anu already asked that question, but mine was a little bit different. The question was, how do you choose the topic? Like for example, what I saw all these three readings was mostly are social related. So now, do you have any other topics, like you take on different topics, or somebody comes and requests you that please do the Pathanatya on this topic or that topic, anything like that? So can people request to you, or can somebody request to you that please write this Pathanatya or this kind of a natya for on this topic? Is there any specific topics? Over the years, as I've said, we've done about 100 different plays. And again, they've happened in different ways. Some of it is simply things that happen in the world or they happen in the country and you're forced to respond to it. And so, you know, that agenda is set not by us, but by something else. Then there are other things that we feel very strongly about. So a play like, for instance, Bobo Dutti came out of our own sense of wanting to speak about something. As artists, we want to say this. Then there are other instances, like a play like Halla Bol, for instance, comes out of our close association with the trade union movement. And that's not because they come and request us, but simply because we know them so well and we work so closely with them that we know that this is going to happen. And it's a big deal that's going to happen. It's something that is very important to workers and we want to be part of it. So it's very symbiotic. It's not like they have to come to us and request or that we have to go to them and request. You know, it's really symbiotic. If you're so working so closely together, you're concerned about each other's lives and issues. So those sorts of things also happen. But there are very many different ways in which the themes get chosen. For instance, there was a time when various organizations in Delhi, they decided to have a campaign against child sexual abuse. And we were also part of that. So all the organizations were doing something. So we went ahead and did a play on that. So sometimes that also happened, that we become part of a collaborative kind of a issue on which various organizations are working. And we are also part of it. So we are doing a play on that. Thank you. Yep. Thank because you. I was really, really intrigued by when Komita asked that question to the audience about, and that really opened up, like, why even this should be a question? I mean, it just doesn't make any sense that you have to really perform to educate people that we want a restroom. I mean, this
it just mind-boggling, baffling that you just need to ask that even a question. So it was very nicely done, and thank you very much. And Kamandrekar ji, it's fantastic. It's what you guys are doing as a Taurya, fantastic. Thank you. Gauri, Vijayatai, Sanjeevani, let's go through Gauri. Gauri? Yeah, thanks, Madhav. I'll be very quick. Thank you, everybody. I'm like Atul. I don't think I have ever responded or commented in a forum like this, but today's program made, you know, it compelling to speak up. So thank you. And I know the way what you're doing is really important, bringing up social questions to the audience right there, right? So, and the responses that you get from the audience are immediate, right? So whatever you are showing them, it has to resonate because you are doing 400 whatever prayog of your natak. So my question is, do you have an example or are there any thoughts to write about an instance where the play started with one script and by the time you finished prayog, it totally changed. And maybe it was because of the interactions with your audience or the social circumstances changed or something like that. Is there a thought to write something like that, or can you share some thoughts on that today? Thank you. Well, it depends really on what you mean by totally change. There are many plays which have undergone a lot of change. But if you ask me, has any play changed in its basic orientation or basic understanding of the issue? No, that doesn't happen. It's not like we begin by saying that workers' rights are important and by the end of the play, we are saying they're not important. You know, that won't happen. Mm-hmm. But certainly in terms of the structuring of the play, the characters, the interrelationships, the scenes, the songs, even the placement of the scenes can change. Mm-hmm. You know, so there's a lot of change that can happen in the structuring of the play itself. There have been instances where we've begun a play and the play didn't work, but we mm-hmm. felt that the germ of the idea that we had was an interesting idea, it was a compelling issue, and we kept working on it till it worked. Sometimes you have a germ of an idea, it doesn't work, and you keep working on it, it never works. And mm-hmm. so then you drop it. So this is not to say that every play that we do is successful in mm-hmm. even artistically, but we do pay a lot of attention to the artistic side of what we do. And be it acting, be it scripting, and so on. We pay a lot of attention to that. And there is an attempt always to be as artistically strong as mm-hmm. we can be without losing the ability to say something directly. Mm-hmm. Great. Thank you. Thank you. Vijayatai, there are two questions. Yeah, I will be quick also. A lot of people have talked about issues and you answered quite effectively. So I will eliminate that part of my question. I have one comment quickly because I am more involved in the medical piece of the Pathanatya. You have done in Maharashtra, Sanjeevani said, and in Indore, and some Nukkad Natak, they call it the same concept about the mental health awareness, about the some of the diseases like Kushta Rog or leprosy, or treatment of people with certain diseases, and that has been very, very effective. And as issues, and again, so much appreciation for what you are doing to really make this a Jananatya. One quick practical question. Are you limited or do you limit yourself at certain time or depending on the audience reaction? Some shows go on for a longer time than others. Yeah, certainly. Some plays stay alive for a very long time, for years and years and years. In fact, our very first street play, a play called Machine, which we first did in 1978, is a play that we still do because it still is relevant. On the other side, there are other plays, we may have done that play only 2 years ago, but we don't do it anymore because either the issue has changed or the social context has changed, or simply the play doesn't work. It doesn't hold the interest of the audience.
and so therefore you drop it. But there is also limitation about per program, about 1 hour or 1.5 hour or that kind of a time. So generally, ma'am, in urban areas, it's very difficult to hold something, especially in the open, for a very long time. So generally, our programs are about half an hour, 40 minutes, 45 minutes. That's the length of the whole thing, including the play and what happens before and after the play. Everything put together is about 40 minutes or so. Sometimes it can be even less. Okay. Thank you, Vijayathai, Sudhanva. Last question from Sanjeevani, and we'll go to Anand for the last word. Sanjeevani? Hi, Sudhanva and the team. I guess I'm just going to be brief. You really appeal to our ethos, pathos, logos, as they say. And, you know, like a lot of people like me who usually don't speak are compelled to speak and share. I had two questions. One is, you know, this participatory or the democratic theater that you sort of gave us a glimpse of, are there other groups within India and other parts of India, let's say in Maharashtra, who are emulating your model? And then Sudhanva, you mentioned your sort of close association with trade unions. Are there other organizations that you also have close relationships that deal with issues like women's issues? Because I really appreciated the intersectionality of identities that your, you know, first skit discussed, you know, the gender and the class. So thank you again. Well, simply because we are running out of time, I'll just quickly answer both the questions. One is that as far as other groups, yes, there are many, many groups all over the country. You know, in Maharashtra, in Andhra, Telangana, Kerala, Tamil Nadu, Bengal, many, many places. There are literally hundreds of groups that perform. Not everything gets known very much. In fact, there are many, many instances where we also don't know of what exactly is happening because these things don't come into the media and so on. So that's about other groups. Kamita, you want to take the second part of the question? There are, if I got your question correctly, you're talking about the intersections between gender, caste, and class. Is that was your question? Right. I wanted to know if you also have close associations with groups, you know, that sort of, you know, in addition to, Sudhanma mentioned trade union, right? Like a lot of your sort of... women's organization. Subjects. Yeah, other organizations. Yeah. We do work also. I mean, we perform quite a lot for women's organizations, local Mahila Samitis. But trade union is only one part of our work where we primarily host organizations, but we also perform a lot in schools, in colleges. We also perform for teachers' associations. So it's actually, मतलब हर जगह ही दिल्ली में जाके और दिल्ली के बाहर जाके बहुत अलग अलग तरह की ऑडियंसिस के साथ हमने जो है वो ऑडियंसिस के बीच में हमने काम किया है. तो वो हमेशा ही एक बहुत वाइड रेंज है. ट्रेड यूनियन इज ओनली वन पार्ट और वन काइंड ऑफ होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी वर्क विद एंड फॉर. इनफैक्ट यू टॉक्ड अबाउट द जेंडर क्लास एंगल इन दैट फर्स्ट सीन. दैट आइडिया केम फ्रॉम ए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन लीडर Kalindi Deshpande. And she talked about it and she mentioned the question of bathroom. And when she talked about it, then the story started. From there, we started that story. So we were having, as we said, that there's interaction with women's organizations. Since this was a question primarily of assertion of women, so we spoke to them. And from them, we got this idea of writing, taking up this question of restrooms and for women, separate restrooms of women. So that way our association with women's organization has been very strong. Thank you. Let's before Karyakramacha Shevta kade jatoye ani tatpurvi, let me give the last word to Anand. Anand? Yeah.
रवंजे मी काही बोलणं म्हणजे आय एम रिअली स्पीचलेस विथ द ब्रेथ इंटेन्सिटी अँड ऍट द सेम टाइम मेंटेनिंग ट्रू आर्टिस्टिक अँड क्रिएटिव्हिटी हिअर बॅलन्सिंग ऑल दीज थ्री आय डोंट नो हाऊ दे हॅव डन इट फॉर सो लाँग इट्स अ मॉन्युमेंटल टास्क अँड Obviously, it is something that receives a very different type of appreciation. As Sudhanva mentioned, that there are so many other groups that we never hear about them because these are not the ones that get mentioned in the newspapers and there are no obvious reviews about them. But probably if we are thinking of this particular forum as something that makes us more cultured, And any connection with art, if it makes us better human beings, certainly this is the highest type of art because it is definitely making the human beings not only who, in an abstract sense, their lives better, but in a very direct sense, their lives better. So I really salute to you and thank you for being here. And thank you for presenting your amazing, amazing work. And you don't require my saying so, but if there is anything, all the more success to what you're doing. Thank you. Thank you, Anand. Thank you. Thank you very much. Very much. Thanks. Padmandan, Taura Pratishthancha ya virtual forum var samil jhalyabaddal apna sarvanche abhar. Special and many, many thanks to Sudhanva, Moleshri, Komita, Priyanka, Ashok, Brijesh, Samyak, Parikshit. And if I have forgotten somebody, please forgive me. But amazing. I mean, I don't want to repeat myself, but whatever that aham we had about, like, we also do performance and all those things, it's all, I would say, dissolved with... Now looking at what you guys presented today. तर या सत्राचा समारोप पुन्हा एकदा प्रार्थनेने करूया. ओम ओम सर्वे सुखिन भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्ते थैंक यू ऑल स्टॉप द रिकॉर्डिंग